There are some students without ID card. Wear it. Thank you.
shlokas. It is advisable if you recite it loudly. That's quite okay. Uchcharan and pronunciation. हाँ, उच्चारण जैसा भी हो आपको आता है, जो भी बोलना आता है वो बोलिए, और उच्चारण देखकर भगवद गीता आपके पास है, यू कैन वेरी वेल सी फ्रॉम दैट एंड यू कैन रिसाइट इट. ओके, एंड इट हैज टू बी लाउड सो दैट द वाइब्रेशन एंड द पॉजिटिविटी कम्स इन दिस हॉल. एंड यस, इवन इफ देर आर मिस्टेक्स, डोंट वरी, योर मैसेज इज गोइंग टू द ऑलमाइटी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मिस्टेक्स. सो we will start with the parayan now. Om Shri Paramatmane Namaha. Tha Shashtho Dhyayah Atma Sayyama Yogah. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहुः योगन्तं पाण्डव नह्य सन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत्
परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धयोगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकै यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं यतेनाधिकन्ततः यस्मिं स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगैयोगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्भिन्नचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् गम्यसमन्तैश्शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितै यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तः
साम येन मधुसूदन एतस्याहं पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः नमस्ते मैसेल्फ गंगा सुशील वारियर On behalf of team of Center for Universal Human Values of KU Shroff College of Arts and Commerce,
Welcome you all to day 6 of Life Enhancing Value Added Certificate course on Srimad Bhagavad Gita. Today we have amongst us Sanskrit Mahaguru, Professor Dr. Madhusudan Penaji, who will enlighten us on Adhyaya 6. We welcome you, sir, and request you to take the seat on the dais. The session is divided into two parts. As you all know, we will take a break at sharp 7 p.m. And the second session will be followed by question answer session. So you all are kindly requested to take down all the queries on your notebook. And at the end of the session, you can clarify them. Before we begin our session, let me take this opportunity to introduce our respected speaker. Dr. Madhusudan Penaji is a Vice Chancellor of Kavi Kulaguru Kalidasa Sanskrit University, Ramtek, Maharashtra. Sir specializes in Yoga Shastra, Nyaya Yoga, and Vedanta philosophy. Sir has been awarded Sahitya Academy Award last year for his Mahakavya on Gulab Rao Maharaj. He has 2 Mahakavya, 10 Lagu Kavya, and 30 translated and edited books to his credit. Professor Penna is honored with honorary D.Litt by National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, for his unique contribution in Indian philosophy. He has traveled in the Netherlands and was member of Indian delegation to Canada in World Sanskrit Conference 2018. He knows 6 languages, including German, and has made DVDs so far on yoga, Indian philosophy, and Sanskrit literature. The Tirumala Peetham, established by Bhagavad Ramanujarya in the 10th century, conferred Shastra Natakara on him. He has received Maharashtra Government Sadhana Award, Pandit Satvalkar Award, Pandit Latka Shastri Award, Somnath Trust Award with Gold Medal and title of Best Scholar, Sri Bhashyam National Award, and many more awards to his credit. I now request the following students to offer bouquet to our accomplished speaker. Jai Patni, TYBFM, Akshit Sakada Saria, TYBFM, Srishti Joshi, TYBMM, A Division, Nisha Chauhan, TYBMM, B Division. Thank you, students. I now request our esteemed speaker to please enlighten us. Hari Om. Aap sabhi ko is Bhagavad Gita यज्ञ में स्वागत है. कई दिनों से आप भगवद गीता के गंभीर चिंतन को सुन रहे हैं. पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं. जैसे आप सभी ने गीता अध्ययन करने का निश्चय किया और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन. और ये कैसे आपके जीवन को बदला देगा ये आपके जीवन में आगे देखेंगे. आज आपको लगेगा कुछ क्रेडिट्स के लिए एक भगवद गीता विषय है ऐसा लगेगा. मुझे भी आपके उम्र में वैसे ही लगा था. मगर अभी जीवन के आगे के जैसे जैसे आगे के हम दिन देखे तब पता चला कि भगवद गीता में ऐसी कौन सी ताकत है हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है. आपके पुस्तक पर है इन्वॉल्व एंड इवॉल्व. ये सारा योग शास्त्र इसमें छिपा है.
उम्र में बहुत छोटे हैं, 19, 20, 21 साल में शायद, आपको हाथ में एक ऐसे एक अमृत जैसा ग्रंथ है। आप जितना अंदर जाएंगे उतना आप खुद अंदर जा सकते हैं। तो सारा रहस्य इसमें है। हम छठवें अध्याय का आज अध्ययन करेंगे। आप नोट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है जिस श्लोक के बारे में मैं बताता हूं आप वहां नोट करना, ताकि कुछ सालों के बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगता है कि अरे ये पॉइंट हमें उस समय अच्छा लगा था। तो ये हमारी एक ट्रेजर हमारे साथ रहेगी। तो आज हम भगवद गीता का छठवें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम अस्मत गुरुभ्यो नमः। आपको पता है कि भगवद गीता एक सिलेबस का टेक्स्ट है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है, एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, एक साइकोलॉजी टेक्स्ट है, एक धर्मशास्त्र का टेक्स्ट है। आपको आश्चर्य लगेगा कि एक ही टेक्स्ट मल्टीफेरियस है, बहुमुखीन है। इसमें हमें हैरान करने वाले ऐसे सिद्धांत बीच बीच में मिलते हैं। बस हमें वो दृष्टि रखनी चाहिए। दृष्टि एक एक जीवन में अगर मिली तो यू आर सेव्ड। ये दृष्टि के लिए सारे ग्रंथ है, वो उपनिषद हो, भगवद गीता हो, ब्रह्मसूत्र इत्यादि तो बड़ी दूर की बात है। तो ये सारे टेक्स्ट आपको कुछ दृष्टि देने के लिए प्रयास करते हैं। दृष्टि का अर्थ होता है विजन। एक उदाहरण देखिए, बॉटल में क्या है? सो कहते हैं पानी। सो पानी तो बचपन से हम बोलते आए, पानी तो हम जानते हैं, मगर वो पानी आगे जाने के बाद हमें पता चलता है कि H2O है, उसमें एक प्रकार का बॉन्ड है। ये बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले जो जानते हैं उससे कुछ अलग हम सत्य के तरफ जानना जो है, ये एक दृष्टि। इसके बारे में हमारे पूर्वजों ने बहुत बहुत बड़ा काम किया है। आप इस भगवद गीता में दृष्टि पाएंगे, नॉर्मली जो देखते हैं उससे एक अलग देखने की क्षमता। इसे देखना है, जिस जग में हम हैं वो सबके लेबोरेटरी है। इस जग में ही हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आते हैं, इसी जग में अल्बर्ट आइंस्टीन आए, इसी जग में शंकराचार्य आए हैं, सब इसी जग में। सो हमारा लेबोरेटरी, इसका अर्थ ये जग, मैं, आप, कोई है तो परमेश्वर कौन है, अभी तक एक्स सॉल्व करना है, जानना है। सो ये सब जानने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। कोई अंदर जाकर प्रयास करेगा, कोई बाहर रहकर प्रयास करता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई संत बनता है, कोई कलाकार बनता है, सबके लिए यही है लेबोरेटरी। सो इसमें हमें कैसे इनको देखना है, हमारे साथियों को कैसे देखना है, ये पेड़ पौधों को कैसे देखना है, ये सारा जिस सोलर सिस्टम में है, वो सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है, वो गैलेक्सी जिस यूनिवर्स में है, ऐसा हम एक व्यापक मैक्रो दृष्टि से देखा तो एक बड़ा एक सत्य, उसके अंदर हम माइक्रोब्स पार्टिकल्स जैसे हम, मगर हमें बहुत कुछ करना है। तो इस करने की दृष्टि में हमें दृष्टि अगर नहीं मिली तो करने में गड़बड़ हो जाता है, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इसके लिए भगवद गीता एक हैंडबुक, आप यूं समझ लो कि आपका हैंडबुक है।
आप रेगुलर इसको पढ़ेंगे तो आपको एक दिशा मिल जाएगी, दृष्टि मिल जाएगी। ऐसे एक टेक्स्ट, ऐसे एक जीवन मूल्य का एक ग्रंथ। इसमें श्लोक रहते हैं मगर ये थियरीज है। एक एक श्लोक नॉर्मली हम पढ़ते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और लगता है आंख बंद करके हाथ जोड़ के हम पढ़ेंगे और उसके बाद दिया तो प्रसाद लेंगे चले जाएंगे। मगर ये हर एक सेंटेंस एक थियरी लेकर चलता है, उसमें एक सिद्धांत रहता है। मैंने बताया जैसा उसमें सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, और आश्चर्य है कॉस्मोलॉजी भी है। ऐसे एक एक बड़ा ग्रंथ, इतना कॉम्प्रेहेंसिव दूसरा ग्रंथ आपको दूसरी इसमें नहीं मिलता है, इतना कॉम्प्रेहेंसिव। ऐसे भगवद गीता के बारे में हम जब देखते हैं कि भगवद गीता करके कुछ जग में आने के लिए कारण क्या था, क्यों आया, तो नॉर्मली हम जानते हैं युद्ध का प्रसंग था कि कौरव और पांडव जाकर कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार थे, तो थोड़ा समय था। अर्जुन की स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने जो बताया वो भगवद गीता नाम से है, महाभारत में है ये। मगर ये तो केवल एक सिंबल है, एक एक प्रतीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखा तो जैसे शंकराचार्य इत्यादि बताते हैं, ये हमारे बारे में बताने के लिए टेक्स्ट आया है, हमारे बारे में। एक बार अहल्याबाई होलकर, एक आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ी रूलर शासन करने वाली थी जिन्होंने काशी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान किया। सो उन्होंने भगवद गीता पढ़ने के लिए एक उनको इच्छा हुई करके एक पंडित जी को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवद गीता पढ़नी है। तो पंडित जी बोले, ओ हम पढ़ाते हैं, 700 श्लोक पढ़ाते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, कंठस्थ है सारा। तब कहा, आप एक एक श्लोक करके बोलिए और मैं सुनूंगी और मैं रिपीट करूंगी, ऐसा कहा। तो शुरू किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, इतना। सो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहते ही महारानी ने कहा रुकिए। तो पंडित जी को लगा कि कुछ गलती हुई, तब उन्होंने कहा क्या कोई गलती हुई क्या, तब इन्होंने महारानी ने कहा आपके 700 श्लोकों का सार मुझे पहले श्लोक के हेमिस्टिच कहते हैं वो 4 शब्दों में मिल गया। तो पंडित जी को आश्चर्य लगा कि मैं इतने हजारों लोगों को पढ़ाया और 700 श्लोक कंठस्थ है, मुझे पता नहीं ये क्या है। पूछा उन्होंने कि रानी साहब आपको क्या पता चला, तब उन्होंने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसमें थोड़ा शब्द इधर उधर किया, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, ऐसा हो सकता है। इसका अर्थ क्या होगा, क्षेत्रे क्षेत्रे अर्थात आप जिस किसी भी फील्ड में हो, धर्मम कुरु, डू फुल जस्टिस टू दैट। ये तो भगवद गीता 700 श्लोकों में वही बता रहा है। तब उनको पता चला, अरे ऐसा अर्थ मुझे क्यों नहीं लगा, मुझे क्यों समझ में नहीं आया। ये दृष्टि है, किसी किसी को वो दृष्टि मिलती है तो वो बताते हैं। तो हम देखेंगे कि 6वें अध्याय में कितना हम अंदर जा सकते हैं, और आप नोट किए तो आपको ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। तो ऐसा एक भगवद गीता, और इसमें देखा तो धर्म क्षेत्र ये क्या है, कुरुक्षेत्र। अब थोड़ा ध्यान दे दो, कुरुक्षेत्र संस्कृत में क्षेत्र का एक अर्थ होता है फील्ड, दूसरा अर्थ होता है बॉडी। आपको 13वें अध्याय में भगवद गीता में आता है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः, इदं शरीरं क्षेत्रम् क्षिणोति क्षीयते च इति क्षेत्रम्। बोले तो जो डिक्रेपिट ओल्ड एज में
चला जाता है, नष्ट होता है, नश्वर है, उसे क्षेत्र कहते हैं। और ये शरीर आपको पता है दैट डिक्रेपिट ओल्ड एज कम्स एंड डेथ कीप्स इट्स आईसी हैंड्स ऑन द हेड्स ऑफ किंग्स एंड रस्टिक्स अलाइक करके थॉमस ग्रे का एक पोएम है कि एक एज आता है और मृत्यु इसके करीब आता है, शरीर स्वाधीन चला जाता है। सो ये इसका स्वभाव है, ये क्षेत्र है। मगर ध्यान से देखो पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मगर यही बॉडी में रहकर शरीर में रहकर हमें धर्म का पालन करना है, इसमें हम कर्म करते हैं तो ये कुरुक्षेत्र है। और इस कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, इस शरीर में अंदर दो युद्ध कर रहे हैं, वो है कौरव पांडव। अंदर कौन युद्ध कर रहे हैं, मैं तो अकेला हूं, मगर हमारी बुद्धि में जो वृत्तियां बनती हैं, अर्थात जो थॉट्स आते हैं, विचार, वो भावना, वो हम उतने संत नहीं हैं कि हम शांत रहेंगे हमेशा। हम हमेशा हमारे साथ झगड़ते रहते हैं। हमें कुछ अच्छा रहता मगर अंदर से कोई बोलता है कि अच्छा नहीं। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता मगर अंदर से कहा जाता कि अच्छा है। सो देयर विल बी एक कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। उसमें दो है झगड़ने वाले, अच्छे विचार बुरे विचार। और अच्छे विचारों को पांडव, संस्कृत में पांडु ये शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। सो पांडव ये एक्चुअली अच्छे विचार। और कौरव, कुरव, रव बोले तो शब्द, कुरव वही से कौरव आ जाता है, अर्थात गलत। सो दोनों कौरव पांडव, ये युद्ध बाहर नहीं है, ये हम में चलता है। फिर हम कौरव पांडव अंदर रखकर झगड़ते समय देखते तो हमें मदद करने वाला कौन? तो आप देखो कुरुक्षेत्र में भी कौरव पांडव युद्ध के समय में पांडवों का पक्ष लेकर किसने मदद की? तो श्री कृष्ण, वो भगवान, वो हमारा अंदर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेशे अर्जुन तिष्ठति कहा। तो हमारे शरीर में, हमारे अंदर जो डिवाइन एनर्जी है उसकी आवाज पहचानना, और वो होता है भगवत गीता। आपको पता है क्या कि गीता के नाम से लगभग 60-70 गीता है। उसमें अवधूत गीता है, रेणुका गीता है, रमण गीता है, आधुनिक भी है, टुकड़ो जी गीता है, ग्राम गीता। मगर पुराने जमाने में बहुत सारे, जैसे महाभारत में, भागवत में भ्रमर गीता है, मंकी गीता है, उद्धव गीता है, श्रुति गीता है, गीता, गोपी गीता। सो गीता अनेक है। उन गीताओं में इसका महत्व देखो, ये डायरेक्ट भगवान का शब्द है। तो डज स्पेक माय लॉर्ड, मेरे भगवान ने ऐसा कहा। तो ये एक हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक शब्द है, तो भगवद गीता। तो हम तीन लेवल में इसको देखते हैं। एक थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी, क्लियर नहीं था, उपनिषद। सो उपनिषदों में कैसा था, ये जग के बारे में बताया, मैटर कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, गॉड एनर्जी के बारे में बताया, मगर वो बरोबर समझ के जीवन में लाना मुश्किल। तब सेकंड लेवल में ब्रह्म सूत्र, वो क्या कर रहा था, सिंथेसाइज कर रहा था उपनिषदों के सेंटेंसेस को, बरोबर बिठाकर एक सिस्टम बनाया। मगर उपनिषद और ब्रह्म सूत्र डायरेक्ट पढ़ के हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ला नहीं सकते हैं, तो इसके लिए भगवद गीता आई। और ये भगवद गीता हम सबके लिए, हर एक उसके रिलीजन, कास्ट, क्रीड कोई संबंध नहीं, क्योंकि ह्यूमन बींग उसके लिए ये भगवद गीता एक ऐसा धरती पर आई। और आप कंपेयर करो किसी कॉन्टिनेंट से, ऐसा कोई ग्रंथ उनको मिलता नहीं है। इतना एक परफेक्ट टेक्स्ट इन द वर्ड्स ऑफ गॉड, आप ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा गॉड कहने के बाद लोग कहते हैं ये बिलीफ है, गॉड कहाँ, किसी ने देखा क्या वगैरह, मगर
ये गॉड एनर्जी आप साइंटिस्ट से भी पूछो, वो भी कहेगा कि मैंने भी नहीं देखा। अभी बोजॉन पार्टिकल के बारे में चल रहा है, आप में कोई साइंस ग्रेजुएट तो समथिंग है। सो गॉड पार्टिकल के लिए प्रयत्न चल रहा है तो वो कहीं दिखने वाला है क्या? नहीं दिखेगा। फिर साइंटिस्ट कैसे मान रहे हैं? गॉड को नहीं मानते हैं मगर गॉड पार्टिकल को ढूंढते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तो इसी से पता चलता है कि गॉड एनर्जी इज विथ अस, थ्रू अस, थ्रू आउट अस, उसे नकार नहीं सकते हैं। उदाहरण टेक्स्ट में जाने से पहले मैं बताऊंगा कि लोग कहते हैं सूरज को भी भगवान मानते हैं ये लोग, हम नहीं मानेंगे, हम किसी मंदिर का प्रदक्षिण नहीं करेंगे। मगर कहने वाले कौन? ये पृथ्वी पर रहने वाले, अर्थ पे। अर्थ जब प्रदक्षिण लगा रही है, अर्थ जब सूरज की भोवती फिर रही है, आप चाहे ना चाहे आपको सूरज का सूर्य नमस्कार करना ही पड़ेगा, सूर्य प्रदक्षिण करना ही पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? नहीं, मैं सूरज का प्रदक्षिण नहीं करूंगा तो आपको सोलर सिस्टम बाहर जाना पड़ेगा, वहां कहीं भी और भी सन्स है, क्या करेंगे आप? तो चुपचाप मानना कि सूरज भगवान है, हम प्रदक्षिण कर रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो ग्रेविटेशन पुल से, ऐसा हम समझते हैं। भगवद गीता इस प्रकार से एक टेक्स्ट आई, और एक अब ध्यान से देखो, हर चैप्टर का नाम योग रखा है ना। सो पहला अर्जुन विषाद योग, बाद में सांख्य योग, बाद में कर्म योग, बाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास योग, अभी आत्म संयम योग है, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर पुरुषोत्तम योग, योग योग, लास्ट मोक्ष संन्यास योग तक योग है। हम जानते हैं योग का अर्थ, जबकि इसमें अलग अर्थ दिया गया छठवें चैप्टर में, मगर नॉर्मली हम समझते हैं योग मीन्स टू कनेक्ट। कनेक्ट किसको, किसके साथ कनेक्ट करना है? जीव जो यहां है उसको परमात्मा से कनेक्ट करना है। परमात्मा कहां है? बाहर है क्या? वो ऑलरेडी अंदर है। सो ऑलरेडी अंदर है, अंदर है तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे? तो इसका अर्थ क्या होगा? आप केवल, हवा जा रही है, आप खिड़की खोले तो अंदर बाहर का हवा समान हो जाएगा। ये ज्ञानेश्वरी में माउली ने बताया 18वें अध्याय में कि सच में गंगा नदी समुद्र हम अलग अलग देखेंगे, और वो देखते हैं कैसे, मैं दृष्टि के बारे में बता रहा हूं, वो कैसे देखते हैं और दिखाते हैं कि वहां से निकला पानी समुद्र तक जा रहा है और मिलने तक नदी को नाम दिया गंगा, और मिलने के बाद नाम मिट गया और कहा समुद्र सागर। अब ये कहते हैं दोनों जगह पानी ही है, ये कि पानी, मगर पानी को नाम दिया गया कहीं गंगा कहीं सागर। तो वैसे ही हम इस बर्तन में जब है शक्ति, इसको जीव कह रहे हैं, और बाहर जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त है उसको परमात्मा, भगवान, गॉड इत्यादि कहा। सो जोड़ना कहा है, इसीलिए यहां दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम करके कहेगा कि आपको जोड़ना नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात, अलग करना है। अभी ये समझना है हमें। तो योग जो शब्द आता है, योग का अर्थ संस्कृत डिक्शनरी के अनुसार उपाय, मीन्स, मेथड, कुछ टेक्निक, उसको योग कहते हैं। तो आप पूछ सकते हैं अर्जुन विषाद, इसका अर्थ अर्जुन के, अर्जुन का एक डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, निराश, वो भी योग है क्या? तो आप देखो रामायण आपको पता है आदिकाव्य, किसने लिखा? वाल्मीकि महर्षि ने लिखा। कब लिखा, किस अवस्था में? तो आप थोड़ा याद करना कि यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम अधर्मोयम 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 दुरावह अत्युत्कटेन पापेन क्षणम्भु भुंक्ष्व क्षणादिह, ऐसा लगे फलम भुंक्ष्व
क्षणा दिहा। ये क्या हुआ कि दो पक्षियों में एक पक्षी मारी गई तो देखकर इनको अंदर एक उद्वेग हुआ वाल्मीकि को, और नेक्स्ट जो बना रामायण। ये एक इंसिडेंट। आपको और एक इंसिडेंट बताता हूं कि व्यास महर्षि बहुत डिप्रेशन में गए। आश्चर्य होगा, व्यास महर्षि को डिप्रेशन क्या, करोड़ों लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाने वाले, उनको डिप्रेशन क्या, मगर ये भागवत में है। तब नारद महर्षि मिले तो इन्होंने कहा कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, मैंने 18 पुराण लिखे, महाभारत हो गया, सब हुआ, बट स्टिल आई फील दैट आई हैव लेफ्ट समथिंग अनकम्प्लीटेड अनफिनिश्ड, क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये सारा लिखा मगर ये सारा लिखने की ताकत जहां से मिली उसके बारे में नहीं लिखा आपने, उस जिसके बिना आपको ये ताकत नहीं मिलती उसके बारे में क्या लिखा क्या। तब भागवतम करके, भगवत भागवत दोनों में देखो, भगवान के बारे में इज इक्वल टू भागवत उन्होंने लिखा। तो एक एक लो स्पिरिट मगर वो अपने को ऊपर उठा सकता है। ये अर्जुन विषाद में है, अर्जुन एक लो स्पिरिट में चले गए डिप्रेशन, और उनको जो लगा उस समय वो करेक्ट लगा कि यस मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इस तरफ उस तरफ मेरे ही रिलेटिव्स है, ये बंधु गुरु इन सबको मारना कैसे, इत्यादि इत्यादि बोले। ये फर्स्ट चैप्टर में आया। तब श्री कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि इस स्थिति में मैं इनको मार के ये खून से भरा ये राज्य मैं भोगना नहीं चाहता हूं, मुझे छोड़ दीजिए, अगर ये लोग आके मुझे मारना चाहेंगे तो भी मैं तैयार हूं, मैं इनको नहीं मारूंगा। ये फर्स्ट चैप्टर में आया। तब हंसके प्रहसन इव भारत, तो हंसते हुए मुस्कुराहट करते हुए श्री कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय से शुरू किया सांख्य, संख्या, सम इसका अर्थ अच्छा, ख्या इसका अर्थ ज्ञान, संख्या अर्थात वैलिड नॉलेज। ये क्या होता है, अथॉरिटेटिव नॉलेज, वैलिड नॉलेज, अनकॉन्ट्रडिक्टेड नॉलेज। ये नॉलेज संख्या सांख्य ये मिला सेकंड इसमें कि तुम जो समझ रहे हो वो तुमको लग रहा है कि वो ज्ञान है मगर वो ऊपर ऊपर से ज्ञान है, वो गंभीर नहीं है, ये बताया दूसरे में। तब श्री कृष्ण के ये शब्दों से कंफ्यूजन जैसा हुआ अर्जुन को। अर्जुन कह रहा था कि मुझे युद्ध करना है, अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, और श्री कृष्ण जी कहते हैं युद्ध करना है, बस कर्म कर्म। अभी हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने कर्म करो कहा, अर्जुन नहीं करना चाहता था, सो नहीं करना अच्छा है ना, विथड्रॉ। ये विथड्रॉवल सिम्टम लाइफ में कई बार होता है कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ लाइफ वी वुड लाइक टू विथड्रॉ अवर्जन्स, नहीं चाहिए मुझे, नहीं करूंगा। सो ये पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ डिप्रेशन ये था, और श्री कृष्ण कह रहे थे कि युद्ध करो, और ज्ञान ऐसे दे रहे हैं कि आत्मा एक है, वो कुछ करता नहीं है, और जो खुद को समझता है कि मैं कर रहा हूं वो तो केवल अज्ञान है इत्यादि। तो अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ कि सच में मुझे युद्ध करना है कि नहीं है, करने वाला कौन। तो तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम करके एक श्लोक में आता, अरे एक तो बताओ मुझे समझ में आवे और कुछ कर पाऊं ऐसा बताइए। तब उनको ज्ञान और कर्म बैलेंस कैसे करना, यू नो समथिंग एंड यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, ये दोनों में एक बैलेंस आना चाहिए, और ये बैलेंस योग, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस इटसेल्फ इज योग। आपको लाइफ में बैलेंस करना ना चाहिए, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, ड्यूटीज,
बैलेंस करना आना चाहिए। इसीलिए समत्वम ये योग करके हर एक चैप्टर के एंड में बताया, योग ये भी योग है, उनका डिप्रेशन भी एक योग है, कर्म भी योग है और ज्ञान भी योग है, मगर आपको प्रिपेयर करना, तैयार करना उसके लिए, ये बताते हुए आगे लेके गए। और वैसा 5 चैप्टर्स के बाद अब आत्म संयम योग, मैंने डेलिबरेटली ये चैप्टर लिया आपके लिए, क्योंकि जैसे फोन पे पता चला कि सब यंगस्टर्स है, तो छोटे छोटे पेड़ पौधे जैसे इनको एक आकृति मिल सकती है। अब हम आपके लिए ये चैप्टर में क्या है ये देखेंगे। सो नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं ये ज्ञान डायरेक्ट जैसे भगवद गीता में ही बताया गया कि मैंने ये पहले पहले प्रवर्तित किया नारायण के रूप में, वो ज्ञान आगे आगे इक्ष्वाकु महाराज तक आया और ये बाकी कोई नहीं जान सकता है, ये ज्ञान है ऐसा बताया। और जो आपको अलग अलग टेक्स्ट में मिलता है भगवद गीता में एक जगह में सब लाया गया, इसमें उपनिषद भी है, इसमें योग है, इसमें वेदांत भी है, सबको यहाँ एक जगह में लाया। सो इट इज ऑल कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा आप कह सकते हैं। इसमें आपको उपनिषदों में जो थियरीज आए हैं आपको बीच बीच में मिलेंगे, इसके साथ साथ योग शास्त्र जो अलग पतंजलि महर्षि ने बनाया वो योग के बहुत सारे थियरीज आएंगे। और थर्ड ये वेदांत है, वेद का अर्थ होता है नोइंग, जानना, ये वेद उसका अंत क्या है, एसेंस, अर्थात आप जानना क्या क्या जानते जाएंगे, आप माइक्रो वर्ल्ड को जाएंगे जानेंगे, मैक्रो वर्ल्ड को जानेंगे, मल्टी यूनिवर्सेस जानेंगे और फोटॉन्स और ट्रैकियंस तक जानेंगे, जान के क्या करना है उसका कोई तो टारगेट होना। सो जानना ये जहां कंप्लीट होता है वो वेद अंत, वेदांत ऐसा कहा जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन के बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन वालों में श्रोडिंगर, एडिंगटन ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत रहस्यमय विश्व को देखकर जो कहा वो हमारे भगवद गीता में एज इट इज संस्कृत में है। और इसीलिए आपको भगवद गीता के सेंटेंसेस संस्कृत में है तो आउटडेटेड ऐसा आप नहीं कहना, क्योंकि वो इंग्लिश में है ये संस्कृत में है, मगर आइडिया इससे। एडिंगटन एक जगह में कहते हैं कि मैं इस विश्व का एनालिसिस करते करते जैसे अंदर गया, एटम्स के अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर अंदर क्वार्क्स है, अपसाइड डाउनसाइड क्वार्क्स है, और अंदर फील्ड्स है, और अंदर फील्ड के अंदर क्या बोलना, आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस मिलेंगे, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, ये भी मिलेंगे। और अंदर तो उन्होंने कहा I don't see anything other than mind, ऐसा कहा। ये अंदर माइक्रो में जाने के बाद जो मिला तो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट कहता है, फिजिसिस्ट, माइंड। और ये माइंड, ये विश्व, ईश्वर, ईश्वर की बुद्धि, ईश्वर का मन, ऐसा वहां, क्योंकि मेरा नहीं है, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूं। सो वो वहां तक जाकर उसको टच करते हैं। ऐसे स्थिति में आप देख सकते हैं जैसे कृष्ण ने विवस्वान मनु को इक्ष्वाक इत्यादि बताए। अब इस 6th चैप्टर में टोटल आप निचोड़ के कितने विषय देखेंगे। देखो पहले तो ये सन्यासी योगी ऐसा कौन होता है, सन्यासी और योगी ये एक प्रश्न है और उसका उत्तर मिलेगा।
तो आप जनरली समझते हैं कि सन्यासी योगी वगैरह बाहर के कोई भगवा कपड़ का पहनकर है ना कहीं योग करता हुआ वो योगी, और भगवा कपड़ा पहनकर अगर छोड़ घर बार छोड़कर गया तो सन्यासी, सिंपल। मगर हमारे समाज में, सोसाइटी में, हमारे साथ रहने वाले भी कोई अंदर से योगी, कोई अंदर से सन्यासी हो सकता है। क्या इसका स्वरूप समझना है, वो पहला विषय। और योग और सन्यास एग्जैक्टली ये क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, सेकंड। और कर्म करना और खुद को नियंत्रण में रखना, अपने थॉट्स को नियंत्रण में रखना, ये थर्ड। फिर योग के टॉप मोस्ट पिनकल जो है योग आरूढ़, इसका अर्थ योग के अंतिम चरम सीमा तक पहुंचकर शांत बैठा वो कौन कैसा रहता है। जबकि थोड़ा कुछ दूसरे अध्याय में आया, 13वें अध्याय में भी बहुत कुछ आया, अभी 6वें में योगारूढ़ कौन है ये भी बात आएगी। फिर मैं मेरा दुश्मन, मैं मेरा फ्रेंड, दोनों विषय, अर्थात आपको मारने वाला बाहर से, आपको सब कुछ अच्छा देने वाला बाहर से ऐसा नहीं है, तो हम हमारे शत्रु दुश्मन बन सकते हैं, हम अपने मित्र भी बन सकते हैं, ये कैसा आत्म शत्रु, ये विषय आता है। और एग्जैक्ट आप कनेक्टेड कब होंगे, युक्त योग स्थिति में कब रहेंगे, ये विषय आता है। और योगाभ्यास कैसे करना प्रैक्टिकल, ये इसी चैप्टर में आता। बाकी मैं आपको इतना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आप योग करना चाहते हैं तो साधारण हम सब क्या सोचते हैं, योग क्लास कौन लेता है, कहाँ लेता है, कितना लेता है मंथली, योगा आसन सिखाता है क्या, षटकर्म सिखाता है क्या, प्राणायाम सिखाता, मेडिटेशन, पूछ के कुछ दिन जाते हैं वापस घर आ जाते हैं। सो योग ये हम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं, मगर यहाँ करने के लिए पहले घर में थोड़ा बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए कहाँ से शुरू करना ये भी आता है, योगाभ्यास कैसे करना, योगाभ्यास करने पर क्या होता है, ये दोनों विषय आते हैं। और योग करने पर भी योग का फल क्यों नहीं मिलता, तो रॉन्ग प्रैक्टिस, ये कैसे है, कब कब हम योग करने पर भी उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, कब, ये भी एक विषय। और युक्त और योग लगभग 17 बार आता है शब्द युक्त, तो ये युक्त और योग अर्थात द प्रोसेस एंड द स्टेट। देखो प्रोसेस एंड द स्टेट, योग इज द प्रोसेस एंड युक्त इज द फाइनल स्टेट दैट यू हैव अचीव्ड, ये दोनों इसके बारे में आएगा। और योग विधान, अंतिम परम योगी कौन, वैसा तो भगवान परम योगी, मगर उसके नजदीक तक कौन जा सकता है परम योगी। और अपने मन को, हम मन बोले तो कुछ नहीं है, चिंतन, विचार, भावना, इसको नियंत्रण में कैसे रखना। और योग से फॉल, अर्थात योग करते करते एक हायर स्टेट मिलना चाहिए, नहीं मिलता, वो फॉल होता है, उसकी स्थिति क्या है। कॉन्स्टेंटली जाने वाले योग के अल्टीमेट प्राप्त करेंगे, मगर कुछ लोग रहते हैं वो अल्टीमेट तक जा नहीं पाते, और वो अगर ही हैज फॉलन फ्रॉम द पाथ ऑफ योगा तो क्या होगा, उसका नेक्स्ट कंटिन्यू होगा कि डिसकंटिन्यू, सब वेस्ट हो जाता है क्या, ये भी विचार आता है। और नेक्स्ट योग और भक्ति, लास्ट श्लोक में आया, आपने देखा होगा, तस्माद योगी भवार्जुन, कंक्लूजन जैसा दिखता है मगर उसमें भजतामपि ऐसा करके फिर आगे आता है। हाँ, सो लास्ट में फिर क्या करता है कि एक भक्तिर विशिष्यते, ये भक्ति के बारे में कुछ कहा, तो ये रिलेवेंट है क्या, ये हम देखने वाले हैं। इसमें आप थोड़ा देखे तो ये प्रोसेस पूरा श्रद्धा से शुरू होता है। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ विश्वास। तो लोग कहते हैं बस इसीलिए हम ये नहीं मानते हैं, क्यों, विश्वास, विश्वास का अर्थ होता है जस्ट बिलीफ, अनटेस्टेड बिलीफ,
तो वो तो सुपरस्टिशन होगा। मगर इनका कहना है अगर आप विश्वास ही नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको विश्वास ही नहीं, पहले ही स्टेप में विश्वास गया, संशयात्मा विनश्यति अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। आप तो पहले ही स्टेप में गए, तो आपको श्रद्धा चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि ही। उपनिषद भाष्य में कहते हैं श्रद्धा का अर्थ कुछ नहीं, अस्ति यस पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी श्रद्धा है। ये श्रद्धा अगर हम में बढ़ती है पॉजिटिविटी, तो नेक्स्ट स्टेप में जिज्ञासा होती है, डिजायर टू नो ये क्या है। ये अगर है इच्छा, थर्ड स्टेप में ज्ञान मिलता है, उसके लिए गुरु चाहिए। यहां तो गुरु भगवान श्री कृष्ण है, शिष्य अर्जुन है, दोनों का संवाद है। संवाद एक अच्छा शब्द है, आपको तो वाद पता है, पता है वाद, अगर पता है तो धन्यवाद। सो वाद का अर्थ होता है आर्ग्यूमेंट। अच्छा, तो वैसा डिस्कशन को भी वाद कह सकते हैं, मगर यह संवाद है। संवाद में एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्संस, ये संवाद है। कृष्ण अर्जुन एक बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए हमें पुराने ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, योग वासिष्ठ हो, भगवद गीता, उपनिषद, लगता है कि पुराने, मगर अनलेस यू स्टडी दीज यू कैन नॉट डेवलप ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन विद गॉड। रामकृष्ण मठ ने एक पुस्तक छापा, डज दे स्पेक विद गॉड करके, वैसा डज दे कम्युनिकेटेड विद गॉड। सो द प्रॉपर कम्युनिकेशन संवाद, कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा यहां आता है। सो ये हम आज के इसमें देखेंगे। अब देखो यहां सन्यासी और योगी, पहले श्लोक में आप देख सकते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रियः। वो एक स्टेटमेंट है इसमें, इसमें एक सोशल डॉग्मा को कट करते हैं और उसके बारे में दृष्टि देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। फर्स्ट सन्यासी तो नॉर्मली लोग समझते हैं कुछ कमंडलू पकड़ता है, दंड रखता है, दाढ़ी वगैरह बढ़ाता है बाल, और भगवा पहनता है, कुछ अलग टाइप के भी सन्यासी रहते हैं, ये सन्यासी। मगर आपको बताता हूं सन्यासी कोई बाहर दिखता ही ऐसा नहीं। इसीलिए एक पुस्तक आया बुद्धिज्म में, इफ यू फाइंड बुद्धा ऑन द स्ट्रीट किल हिम। बापरे लोग बोले, इफ यू फाइंड बुद्धा ऑन द स्ट्रीट किल हिम, ये क्या बोल रहा है। तब उन्होंने अंदर लिखा बिकॉज बुद्धा इज विद इन, इनसाइड है, बुद्धा अंदर रहता है। वैसा यहां भी ये जो ज्ञान है वो सन्यास एक ज्ञान है, अब अंदर रहता है वो, उसको बाहर किसको दिखाना, मैं सन्यासी हूं। ये आपको एक छोटी सी कथा बताए तो स्पष्ट होगा। एक राजा थे और एक उनके एक रानी, और दोनों योगाभ्यास करते थे और दोनों बहुत लगन से करते थे, मगर वो महारानी जो है वो बहुत एडवांस्ड स्टेज पे गई योगाभ्यास में, ये राजा जा नहीं पाए और वो एक टाइप के डिप्रेशन में वो छोड़ दिए, राज्य छोड़ के एक रात चले गए, जैसे गौतम बुद्ध चले गए वैसे ये भी चले गए, चले जाके कहीं जंगल में एक आश्रम बना के रहे। अब रानी एडवांस्ड स्टेज में है, उसको कुछ क्लेयरवॉयंस टेलीपैथी जैसा कुछ आए हैं, इसीलिए उसने देखा कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में राजा है, तो वो दूसरे वेश चेंज करके वहां गई और वहां एक नॉर्मल एक यंग मैन जैसे जाकर बोले कि आप यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि मैं योग में अल्टीमेट लेवल तक जाने के लिए मैं घर बार छोड़ के इधर आया, और आप कौन बोले, तो मैं एक बाजू के आश्रम का लड़का, मगर हमारे गुरु वगैरह सब कोई चले गए तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ क्या, ऐसा एक एक मेल जैसा महारानी कहती है। तब राजा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी
योग मार्ग में, आप भी योग मार्ग में चलो, साथ साथ योगाभ्यास करेंगे। ऐसे कुछ महीने जाने के बाद एक दिन रोता हुआ वो यंग लड़का आता है और महाराजा से कहता है कि मुझे किसी ने शाप दिया, मैं क्या करूं, अभी मेरा पूरा अभी योगाभ्यास टूट जाएगा। तो राजा कहता है कि क्या हुआ? तो कहते हैं अभी मैं रात के समय लेडी बन जाती हूँ तो प्रॉब्लम है, हम कैसे आश्रम में रहेंगे। तो वो कहते हैं कोई चिंता नहीं, हम तो योगाभ्यास कर रहे हैं और आश्रम में रहेंगे, कोई चिंता नहीं। कुछ दिन के बाद फिर वो कहती है कि लोग बाहर कह रहे हैं दोनों साथ रहे तो पति पत्नी, तो ये भी बहुत घातक है। तब वो कहते हैं कि कहने दो, अगर इतना कह रहे हैं तो हम शादी करके ही रहेंगे आश्रम में। तब वो अपने स्वरूप में आकर महारानी बोलती है, अगर यहाँ आकर इतने दिन के बाद शादी करना है तो वहां की शादी कहाँ गई? सो पहले ही आप शादीशुदा थे ना, वो छोड़कर इधर आ गए और इधर आके कुछ दिन के बाद फिर शादी में चले गए। तो कहते हैं सच में ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर मैं योग में आगे कैसे बढ़ूं? तो वो कहते हैं देखो, आपके आश्रम से, भगवा कपड़े से, दंड कमंडलू से आप सन्यासी नहीं बनेंगे, योग में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो अंदर का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तब वो कहते हैं कि अच्छा, ये आश्रम, ये दंड कमंडलू नहीं चाहिए, तो जलाने के लिए आग लगा देते हैं। तब कहती है इसको ऐसा करना भी गलत है, ये वस्तु है, इसको आपका कोई संबंध नहीं, ये योग पहले समझ लो, ये सन्यास पहले समझ लो। तो सन्यास योग ये अंदर की बात है, आप बाहर से शरीर का व्यायाम कर सकते हैं, शीर्षासन करेंगे, वृश्चिकासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, प्राणायाम, नाक दबेंगे, पूरा कुंभक रेचक करेंगे, मगर आप अंदर से चेंज अगर नहीं हुए तो ये सारा किसी काम का नहीं। सो ये सारे ग्रंथ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। अनलेस दैट एंटर्स इन टू योर हार्ट एंड ट्रांसफॉर्म्स यू विद इन, इट इज यूजलेस। इफ इट ट्रांसफॉर्म्स, इट इज यूजफुल। सो आपके अंदर ये जाना, इसके लिए ये अभी बता रहे हैं कि देखो सन्यासी योगी आप ऐसा मत समझो, किसी ने अग्नि कार्य छोड़ दिया, त्रेताग्नि रहता है, वो अग्नि घर में जला के, प्राचीन काल से आता हुआ संप्रदाय कि अग्नि जला के अग्नि कार्य करना, अग्नि को यज्ञ इत्यादि करना, वो सब था पहले। तो कोई मैं सन्यासी बन गया तो इसका अर्थ क्या, मैं ये सब छोड़ दिया कर। सो कर्म छोड़ने से सन्यासी बनता है क्या? तो श्री कृष्ण का कहना देखो स्पष्ट, आप सारे कर्म छोड़ने से सन्यासी नहीं बनेंगे। क्यों? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आपको अंदर एक लॉन्गिंग जब तक है तब तक वो वासना आपको खींचेगी, तब आप बनेंगे कैसे सन्यासी? और कोई शीर्षासन उल्टा सर करके पैर ऊपर करके अगर योग कर रहा है तो योगी बन गया क्या? नहीं, वो तो फर्स्ट स्टेप है, बच्चों का जैसा। मैं हमेशा कहता हूं कि शरीर को तोड़ मरोड़ के करने वाले यूक्रेन में भी हैं, अपने जापान, चाइना, मंगोलिया, लड़कियां, रशिया, उनको पता भी नहीं इसको नाम दिया जाता है, वो आराम से योग कर लेते हैं। सो उतने से योग नहीं बनता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके लिए देखो अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल हम जो भी करते हैं एक रिजल्ट के लिए करते हैं, हमारा टारगेट सामने रहता है, मगर हमारा प्रॉब्लम क्या, हम उसी पर अटके रहते हैं कि ऑल अवर एफर्ट्स आर सेंटर्ड ऑन द फ्रूट, मुझे ये चाहिए। जैसे आजकल जेईई परीक्षा देते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सो उनका उतना टारगेट रहता है, सारी एनर्जी उसके लिए, और वो नहीं मिला करके कई जगह में सुसाइड कर लेते हैं। और यंगस्टर्स में तो म्यूचुअल एक फेटल अट्रैक्शन रहने से छोटे छोटे चीजों में इमोशंस डिस्टर्ब हुए तो सुसाइड कर लेते हैं। और कहीं कहीं कुछ फैमिलीज में इमोशनल इंबैलेंस के कारण घर वालों को मार दिए, दिल्ली में भी हुआ, एक बार 7 लोगों को मार दिए। सो ये सब क्या है, ये एक्चुअली डिसऑर्डर्स,
तो हैंडीकैप्ड ऐसा हम लोगों को कहते हैं नहीं, हर एक के अंदर ये कौरव है, हर एक के अंदर है, समय आने पर बाहर निकलेगा। ये कैसा? तो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की एक नॉवेल है, पढ़ना कभी। सो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, मुझ में पॉजिटिव एक व्यक्ति है, मुझ में एक नेगेटिव है, समय आने पर दोनों दिखाई देते हैं। ये मास्क, ये परजोना, साइकोलॉजी में पर्सनालिटी जो कहते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। सो इट इज नथिंग बट वॉट यू शो टू द सोसाइटी एंड वॉट यू एग्जैक्टली आर, वॉट यू आर एंड वॉट यू वॉन्ट टू शो टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी के सामने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ, बहुत मेच्योर्ड, बहुत जेंटलमैन दिखाएंगे और अंदर सब पोखला है, इसमें क्लैश आता है, युद्ध कुरुक्षेत्र यही चलता है। इसमें से ऑल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कुछ सोमैटिक डिसऑर्डर्स एंड फाइनली ये शरीर को ही एक हॉस्पिटल बना देते हैं। अनाश्रित कर्म फलम, सो कर्म का फल है तय, मगर उसी के लिए न तड़पते हुए कार्यम कर्म करोति यहा, जो करना चाहिए वो कार्यम, वो कर्म। अभी समझ लेना कि वट एवर इज डिस्टिंक्ट फॉर यू, वट एवर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, वो है आपका कर्म, कार्यम कर्म। वो छोड़ के करते हैं विकर्म, विरुद्ध कर्म, कुछ नहीं करते हैं अकर्म। पहले के अध्याय में आ गया होगा, कर्मणोपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च कर्मणः विकर्मणश्चापि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवद्गीता में बताया कि आपको आपको जानना है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत काम है, ये तीन जाने तो इस सोसाइटी में आप रहते हुए भी यू कैन लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ। इसके लिए गहना कर्मणो गति बोला, कर्म। अभी आप बताइए, आप सब बैठे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं क्या? कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और आप लिख रहे हैं, सांस चल रही है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कहा भगवद्गीता में, एक पल भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो आप कहेंगे सोते समय हार्ट बीट चल रहे हैं और माइंड एक्टिव, वो काम कर रहा है, और स्वप्न लोक बनाया, एक डिफरेंट वर्ल्ड, आप उसमें पूरा अनुभव कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग ऑन, कर्म आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे फिर? कर्म को चैनलाइज, चैनल दे दो, चैनल। इसको साइकोलॉजी में कार्ल यूंग कहते हैं इंडिविजुएशन थियरी। आप कर्म को एक चैनल दे दो, ऐसा अच्छा बुरा। सो आप थोड़ा अच्छे करने में ही लगे तो धीरे धीरे यू गेट ट्रांसफॉर्म। सो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सः सन्यासी। अब आप बता सकते हैं सोसाइटी में कि केवल मैं सन्यासी हूं, देखो ये भगवा है ना, तो वो सन्यासी नहीं है। वो डे टू डे लाइफ में कैसा जी रहा है, अपने कर्म केवल फल के लिए ही टारगेट करके कर रहा है या ड्यूटी समझकर फुल कमिटेड कर रहा है, बस अब वो सन्यासी। सह सन्यासी च योगी च, बिकॉज सन्यास एंड योगा दे आर वन। ये आपको 18 चैप्टर में बताया जाएगा कि सन्यास जो है वो एक्चुअली योग ही है। तो लोग बोलते हैं योग में जोड़ना सन्यास में तोड़ना है ना, इसी को दूर करने के लिए ये चैप्टर, कि सन्यास में अलग होना नहीं है, योग में जोड़ना भी नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो आपके ड्यूटी समझकर फुल कमिटमेंट के साथ करेंगे, यू आर ए योगी, यू आर ए सन्यासी। वेदर यू आर इन जीन्स, वेदर यू आर इन ए धोती, डजंट मैटर। ये यहां बताने के लिए, न निरग्नि ही न च अक्रियः। सो अग्नि जो है वो छोड़ने से सन्यासी नहीं बनता, या सब कुछ छोड़ के एक जगह में आंख बंद करके ढोंगी बाबा जैसा बैठा तो भी योगी नहीं बनता है। सो ये
संन्यास और योग को एक फार्स दिखावट से बचाने के लिए व्यास महर्षि ने ये यहां लाया। देखिए, क्योंकि योगा इज इक्वल टू संन्यास, ये हमको सेकंड श्लोक में आता है। योग यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। हे अर्जुन, जो संन्यास संन्यास कह रहे हैं तुम समझ लो वो योग ही है। सो इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं वो, कि फर्स्ट टाइम दोनों एक ही है ऐसा स्पष्ट क्लियर कर दिया। सो संन्यास अलग योग अलग नहीं है, क्योंकि नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। दुनिया में जब तक अपने विचारों को भावनाओं को एक चैनल में पहले देकर बाद में उनको रोकते नहीं, तब तक कोई भी योगी नहीं बनेगा। सो योगी कौन, जिसके विचार वश में है वो योगी, विचारों को अपने वश में रखता है बाद में उनको छोड़ेगा, मगर पहले तो कंट्रोल करना आना चाहिए। योग भाष्य में बताते हैं कि आप कपड़े पर दाग लगे तो क्या करते हैं, देखते हैं पहले वो पेट्रोल है या कुछ धूल है। तो देखेंगे धूल है तो केवल हाथ से साफ करेंगे, अगर पेट्रोल लगी तो आग लगा देंगे क्या, तो आप डिटर्जेंट लगा देंगे और बहुत मेहनत करके उसको हटा देंगे। अपने मन में भी हमारे विचार हमारी वासना ऐसे रहते हैं, कुछ ऊपर ऊपर से चले जा सकते हैं मगर कुछ डीप रूटेड है, उनको अलग करना कैसा, तो वो योग प्रक्रिया आगे बताएंगे। उससे आप रेगुलर करने से आप ऑटोमेटिकली ये विचारों को पहले वश में रख सकते हैं, बाद में उन पर काबू पा सकते हैं। सो असन्यस्त संकल्प, जब तक संकल्प छोड़ते नहीं तब तक कोई योगी नहीं कोई सन्यासी नहीं। मगर विचित्र है समाज में तो उल्टा है, कि आप देखेंगे कि सन्यास आश्रम और बाहर एक बोर्ड रहता है कि अंदर आने के लिए 5,000 पे करना, ठीक है पे करके अंदर गए, अंदर जाने के बाद स्वामी जी के साथ बाउंसर्स, स्वामी जी को डर है भक्तों से, सो बाउंसर्स बुलेट प्रूफ, और आजकल तो AK-47 भी मिलता है आश्रमों में। तो ये आश्रम कहाँ का, ये है फार्स दिखावट। एक स्वामी जी के आश्रम के बाहर एक बैनर रखा, उस पर लिखा मौन स्वामी। तो एक भक्त अंदर आया नया, तो नमस्कार करते हुए सब भक्त शांत बैठे हैं, स्वामी जी आंख बंद करके बैठे, और नजदीक आके बाजू के किसी से कहा कि ये महाराज 8 साल से मौन में है। तो तुरंत स्वामी जी ने आंख खोल के बोला, अरे पागल 10 साल से, ऐसा बोल दिया। ये अंदर है ना, संकल्प है, मौन तोड़ दिया वो पता भी नहीं। ये अंदर गुदगुदी होती है कि ये कहता है समोसा वगैरह नहीं खाना, मगर वास आते ही अंदर एक संकल्प जागृत होता है। जब तक ये संकल्प छोड़ते नहीं तब तक वो सन्यासी हो गए कैसे। तो अंदर है सन्यासी अंदर है योगी, ये यहां बता रहे हैं। अब देखो इसके पहले भी आया जैसा कर्म, कर्म जो होता है हो रहा है, हम सुन रहे हैं बात कर रहे हैं हंस रहे हैं सांस ले रहे हैं, एक हो रहा है, मगर कुछ नहीं करना चाहिए विकर्म, उसको अवॉइड करो। अकर्म, कुछ भी नहीं करूंगा मैं जीवन में, वो भी ठीक नहीं है। तो बिल्कुल नहीं करने से यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा इंडल्जेंस है तो भी प्रॉब्लम, तो आपको बैलेंस करना ना चाहिए। ये एक साइंटिस्ट कहते हैं वायलिन बजाते समय उस पे तारों पर एक टेंशन रहता है, टेंशन तो स्ट्रांग ऐसा टाइट करते हैं। अभी कैसा है जीवन, उतना ही चाहिए जितना टेंशन उन तारों को चाहिए, आपको संगीत बजाना होगा। आप ज्यादा टाइट करते गए तो
टूट जाती है तार। अगर ढीला छोड़े तो आवाज ही नहीं आती। हमारे जीवन में कर्म ऐसा रहना चाहिए, बहुत ज्यादा करने से तार टूट जाएगी, बहुत बिल्कुल ढीला छोड़ने पर आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। सो सक्सेसफुल लाइफ के लिए जितना कर्म लगता है उतना आप टाइट करके अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। ये देखो कर्म अकर्म विकर्म ये कंफ्यूजन दूर करते हुए स्पष्ट करते हैं। देखो हमारे शरीर से जो कुछ हम करते हैं क्रिया, वो सब क्रिया संकल्प से आती है। संकल्प पहले संकल्प करते तो कुछ ना कुछ करते हैं संकल्प। वो संकल्प के पीछे कौन? वासना। वासना बोले तो लोग कहते हैं कि ये वासना कोई तो संस्कृत शब्द है, हम में नहीं है। वो संस्कृत छोड़ो, सब में है वो। बिकॉज वासना इज नथिंग बट योर इंस्टिंक्ट, वो अंदर है। कोई सुबह उठ के किसी एक जगह में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, उसके पीछे उसकी वासना है। किसी को आंख खोलते ही याद आता है कॉफी, किसी को आंख खोलते ही याद आता है भगवान, वासना। ये इसे कहते हैं वासना। और उसके पीछे कौन है? तो भगवद गीता में बताया अज्ञान। अज्ञान ये बहुत एब्स्ट्रूस है। जितना आप अज्ञान क्या जानने के लिए प्रयास करते जाएंगे उतना ज्ञान बनता बनता जाता है। अज्ञान आपको मिलेगा नहीं, मगर सबको पता है मैं वो नहीं जानता, अज्ञान है मेरा। मैं पूछता हूं आप क्या नहीं जानते हैं, वो पता है क्या? हाँ, ये नहीं जानता हूं, पता है। सो अज्ञान और ज्ञान, अमृतानुभव में ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं ये अज्ञान और ज्ञान इतने बारीक जाते हैं, नेणीव और जाणीव ऐसा कहते हैं इनको। आश्चर्य है, मैं अज्ञान को कैसे जानूं? इतना डीप ट्राई करके जानते जानते ज्ञान ही बन गया ना। सो ये एक बड़ा बड़ा फिलोसॉफिकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने कहा अज्ञान नहीं है, इसीलिए अब यहां कहते हैं आप कुछ नहीं जानते हैं, जो जानना चाहिए उससे आपका वासना और आगे संकल्प आगे क्रिया बनती है। आप क्रिया अगर तोड़ना है सो यू शुड कट एट द रूट, और वो है अज्ञान को दूर करना। इसके लिए सारा भगवद गीता में ज्ञान देने का ये चलता है। मगर इस प्रयास में अब देखो कर्म भी है और शांति भी है, एक नीचे के पायरी पर है और एक टॉप पर है। कर्म और शम, शम का अर्थ शांति या टोटल कंपोजर, इक्विवेलेंट, एक इक्विलिब्रियम समझ लो, अपने आप में शांत रहना, क्षमा, अंतर इंद्रिय निग्रह, क्षम उच्चते और भी मिलता है। बाहर इंद्रिय को दम कहते हैं, केवल आंख बंद किया दम, अंदर से भी देखना नहीं बंद किया तो क्षम, दम क्षम, क्षम दम ऐसा कहते हैं इसको। अब यहां कह रहे हैं कर्म कहां तक आप ले जाना और आगे क्या है। तो अब देखिए कोई ऑफिस है, गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी आपको आपके घर से ऑफिस तक ले जाने के लिए, मगर कोई भी गाड़ी ऑफिस के अंदर ले जाके गाड़ी में बैठ के ऑफिस चलाता है क्या? नहीं चलाता है। बस इससे पता चलता है कि एक टूल मगर आपको चाहिए वहां तक जाने के लिए। कर्म जो हमारे जीवन में करते हैं, जो ड्यूटी के रूप में है, वो हमें लास्ट मोमेंट तक ले जाता है, वहां जाने के बाद उसकी जरूरत नहीं है। कर्म क्षम दोनों, इसीलिए कह रहे हैं आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्ष बोले तो आरोढ़ुम इच्छा, आप चढ़ रहे हैं। आप चढ़ने के लिए पहले तो एक स्टेप पे पैर रखना, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसा आगे, तो उसके लिए आपको कर्म लगता है, कर्म आरंभ में लगता है। मगर आप जब
उस लास्ट जेनिथ पर पहुंच गए, शिखर पर पहुंच गए, तो योगा रूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग पे आरूढ़ है, अर्थात आप जिसको प्राप्त करने के लिए सारा कर्म किया, उसे प्राप्त करने के बाद सो देर इज नो फर्दर कर्मा, वो उस स्थिति को कहते हैं शम, शांति। तो लोगों को लगता है कि ये करते कुछ नहीं है, फिर इनका दुनिया में आने का क्या प्रयोजन है वगैरह। मगर दुनिया में हरेक ने एक ही प्रयोजन के लिए आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हरेक का अपना अपना प्रयोजन रहता है और वो करते भी है। रमण महर्षि ने कुछ नहीं किया, मगर उसी में से करोड़ों लोगों को जो मिलना है मिल गया। पॉल ब्रंटन, वो भी जब भारत में आए, सो रमण महर्षि के पास जाने से उनको सब कुछ मिल गया। बोले एक थे पॉल ब्रंटन करके, उनके डायरीज अभी पब्लिश है। तो वो भारत में हर जगह जाकर बाबा, साधु, योगी, सन्यास सबसे मिले और बड़े नोट्स लिखे उन्होंने 19 सेंचुरी के एंड में। वो उसके बाद वो बोले कि भारत में मुझे उतना रियल योगी सन्यासी नहीं दिख रहा है। और जब वो तमिलनाडु गए तिरुवन्नामलै, वहां रमण महर्षि के पास गए और बड़ी एक लिस्ट प्रश्नों की सूची लेकर गए और उन्होंने कहा कि ये सारे प्रश्न मैं पूछूंगा, उत्तर दिया तो मैं मानूंगा। और जब जाकर उनके सामने बैठे तो रमण महर्षि और इन एक दूसरे के आंखों में देखे, क्या हुआ पता नहीं, दैट वाज द संवाद, कम्युनिकेशन। बोले कुछ नहीं, पूछे कुछ नहीं। और जब बाहर आ गए 40 मिनट्स गए और किसी ने कहा कि आपको प्रश्न पूछना था, क्या हुआ, पूछा क्या, तब बोले आई गॉट आंसर्स टू ऑल माय क्वेश्चंस थ्रू साइलेंस। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म कहते हैं। सो ये साइलेंस कैन ऑल्सो कम्युनिकेट इफ द गुरु इज कॉम्पिटेंट। गुरु कॉम्पिटेंट है तो साइलेंस कैन ऑल्सो स्पीक, ऐसा कहते हैं। वो संवाद कहाँ होता है, योगा रूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। वो अल्टीमेट स्थिति तक पहुंचने के बाद फिर कर्म की जरूरत नहीं, वो एकांत में रहा, मौन में रहा, तो भी ही कैन कम्युनिकेट विथ। ये एक रहस्यमय मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां देख सकते हैं, नीचे सीढ़ियां चढ़ने के लिए कर्म और ऊपर योग में पहुंचे तो शम। शम मैंने बताया, शम से ही शांति शब्द बनता है, दोनों एक ही है। अब पिछले श्लोक में आया योगा रूढ़स्य तस्यैव, ऐसा आया तो प्रश्न पड़ता है कि योगा रूढ़ कौन है। योगा रूढ़ ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं। इसमें दो शब्द है, योग आरूढ़, आरूढ़ इसका अर्थ चढ़ा हुआ, प्राप्त किया, who has ascended, climbed, योग का आरोहण किया, इसका अर्थ होता है योग की चरम स्थिति को प्राप्त किया। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगारूढ़ का क्या अर्थ बोले तो यहां बताया, देखो एक आदमी है, उसकी नजर है वस्तु पे और उस ज्ञान से वो प्रतिक्रिया करता है। ये एक्चुअली मैं, मेरे इंद्रिय, आंख, कान इत्यादि और बाहर जो भी है उसकी, उसका अर्थ, इंद्रिय अर्थ। संस्कृत में जब दो विषय, दो आते हैं शब्द, इसका अर्थ द सेंसेस एंड देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय अर्थ। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, जब कोई देखता मगर लगता नहीं, सुनता मगर उसकी प्रतिक्रिया नहीं देता, पश्यन्नपि न पश्यति शृण्वन्नपि न शृणोति, ये क्या है, देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता। वैसे तो स्टूडेंट्स को बहुत आदत है, टीचर्स को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर की तरफ देखते रहते हैं मगर सच में वो कहीं खो जाते हैं, और सुनते भी है, बोले तो शब्द पढ़ते हैं मगर वो अंदर जहां तक जाना नहीं जाता है। और अल्टीमेट सन्यासी की भी स्थिति वही है कि वो देखता है नहीं देखता, सुनता भी है नहीं सुनता, ऐसी स्थिति।
सो न कर्मसु अनुषज्जते, हम हरेक कर्म के साथ उसके फल को अगर जोड़ा तो हमारा उसमें बॉन्डेज बंधन होता है, ये कहा जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़स्तदोच्यते, सारे संकल्पों को जब छोड़ता तब योगारूढ़ है, बस ये एक डेफिनेशन इसका। योगारूढ़ कौन है? जिसने सारे संकल्पों को त्याग दिया वो है योगारूढ़, ऐसा कहा। अब देखो अभी 7 बजने का है तो हम थोड़ा रुकेंगे और यहां से आगे हम पढ़ेंगे। हरिओम। आप सभी को फिर एक बार स्वागत है। अभी भगवद गीता का चिंतन चल रहा है। अभी के 5 और 6 ये 2 श्लोक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या बताते हैं? हर कोई अपना दुश्मन बन सकता है, हर कोई अपना मित्र बन सकता है, ये स्टेटमेंट है। आत्मैव हि आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुर आत्मनः। तो हमें प्रश्न पड़ता है कि मैं खुद का दुश्मन कैसे बनूं? ये हम सबको अनुभव में आता है। कभी किसी ने पार्टी में बुलाया और अलग अलग प्रकार का खाना रखा और उसमें अट्रैक्टिव खाना दिखा और उस समय खाने का मन किया तो हम ये भी खाए वो भी खाए, इधर पानी पूरी चाट रखा वो भी खाए और इधर जाकर आइसक्रीम रखा वो भी खाया और बाहर जाते जाते किसी ने कहा वो आइटम छोड़ा क्या, वापस जाके वो भी खाए, करते हैं और सब पेट भरा ऐसा लगा तो मिर्च भजी दिखे तो वो भी खाए, अभी हो गया। और दूसरे दिन पता चलता है आत्मैव रिपुर आत्मनः, ये किसने है? ये सब मैंने ही किया और उसको भोगना मुझे ही है। पेट जलना, सर दुखना, आंख भरना, ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो ये रिपुर आत्मनः। सो मैं मेरा दुश्मन कब बना? जब मैं मेरी इच्छाओं पर, वासनाओं पर, विचारों के पीछे दौड़ा तब मैं मेरा दुश्मन बना। और मैं आत्मैव आत्मनो बंधु कब? मैंने जब बड़ों का सुना, थोड़ा खुद को कंट्रोल करके मैंने अच्छे काम करने का प्रयास किया तब मैं खुद का बंधु मित्र बना। तो यहां बताता है कि बाहर से आके कोई आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला नहीं है, इट इज टोटली इंटरनल, ये सब अंदर की बात है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आप खुद के डेवलपमेंट आप प्लान करो। उद्धरेत आत्मनात्मान, ये कैसे करना? कि अरे ये कोई पहली बार नहीं है, आप पहली बार आए हैं जग में, आकर 18-19 साल हुए होंगे, मगर इसके पहले लाखों सालों से चलता है ना, अनेक लोगों ने इसका अनुभव किया जग का, अच्छा बुरा देखा। आयुर्वेद जैसा आपको पता नहीं, तुलसी का क्या, बचपन से कुछ पता अगर नहीं
तो बुजुर्ग बताते हैं कि तुलसी घर में मेडिसिन है, आप चबा दो आपका खोखला वगैरह शांत हो जाएगा। तो ये हर कुछ हमने अपने अनुभव से सीखना है, ऐसा नहीं, बुजुर्गों के अनुभव से भी सीखते हैं। तो यहां भी उद्धरेद आत्मनात्मानम, इसका अर्थ आप आपके लाइफ के लिए एक सिस्टम जब बनाते हैं कि ये मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छे हैं, सो यू आर एक्चुअली अपलिफ्टिंग योरसेल्फ। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाहर से नहीं। न आत्मानम अवसादयेत, खुद को नीचे गिराना भी नहीं। ये पर्सनालिटी कोलैप्स हो सकता है कभी कभी, कोई अचानक अपने ही मनुष्यों में उसामा बिन लादेन कोई बनता है, कोई कसब बनता है, कोई और कुछ बनता है, तो बना कैसे, अपने को ही उसमें लाया। सो हम अपने को ऊपर भी ले सकते हैं जब इस समाज में, और खुद को नीचे भी ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को जानना है कि क्या करने से हमें आगे रास्ता क्लियर हो जाता है, ये यहां बताया। और इस स्लाइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, आपने गिनती की तो ये दशकंठ है, दशकंठ दशकंधर रावण। क्यों? क्योंकि चित्त जो है मन, ये मन के 10 प्रकार के विचार होते हैं। अब वो दशकंठ बन गया तो आपको जरूर डुबा देगा, उसको थोड़ा रोक के रखना। इंस्टेंट इमोशंस पे नहीं गए तो धीरे धीरे हमको इसमें चुर्पी आ जाती है। इसमें युक्त अर्थात हमारे समाज में योग के टॉप पर कौन कौन पहुंच गए, तो देखिए एक तरफ गौतम बुद्ध है, एक तरफ वर्धमान महावीर, रमण महर्षि, कांची परमाचार्य और आप ले सकते हैं। इनको हम समझते हैं कि दे हैव रीच्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी वहां तक पहुंच गए। कैसे? तो ये आपके श्लोक में सामने है, वन जितात्मनः, खुद को उन्होंने जीत लिया, प्रशांतस्य, इसीलिए शांत है, उनको परम आत्मा समाहितः, इसीलिए उनका अंदर आप सब में है, मैं ये जो एनर्जी है, मैं एक एनर्जी है, उसको कोई नाम नहीं, उसको कोई स्वरूप नहीं, मैं दैट इज जस्ट अब्स्ट्रैक्ट एनर्जी, और वो समाहितः बैलेंस्ड है। और इसीलिए शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, छे, ठंड हो गर्म हो या दिन हो रात हो, इंसल्ट हो या प्रेज हो, सुख हो या दुख हो, इनमें अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। सो इससे पता चलता है कि युक्त कौन है, वन हु कैन मेंटेन इंटरनल बैलेंस, इनर बैलेंस, वो योगी है, युक्त है। और ऐसे व्यक्ति ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, खुद कैसा रहता है कि ज्ञान और विज्ञान, इसमें थोड़ा फर्क है। संस्कृत में ज्ञान इंफॉर्मेशन, विज्ञान एक्सपीरियंस। हम नॉर्मली क्या कहते हैं, विज्ञान बोले तो साइंस, क्यों, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दैट विच यू हैव प्रूव्ड, उसको आप विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान अर्थात बाहर से ज्ञान लेना, अपने अंदर उसको स्थिर करके अनुभव करना, ये दोनों में तृप्त आत्मा, जो कोई कंप्लीट बने हैं, जो कोई इस दुनिया में कंप्लीटनेस को प्राप्त किया, कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते, इस डेफिनेशन, उसको युक्त कहो। क्यों? समलोष्ट अश्मकांचनः, वो व्यक्ति कैसे रहती है कि उसको पत्थर हो सोने का टुकड़ा हो, वो समान दृष्टि रखते हैं। आपको लगेगा कि फिर तो वो पागल है। रामकृष्ण परमहंस के पास आने वाले लोग उनको देखने के लिए पैसे भी लाते थे। एक बार एक ने उनको एक सोने का टुकड़ा दिया, तो बहुत देर तक देखते गए और बाद में नदी में फेंक दिए। तो बाकी लोग बोले, और ठाकुर जी, अरे ये तो सोने का है, इसके लिए सोना, आपके लिए, और रामकृष्ण परमहंस को कुछ नहीं है। और वैसे अपने रमण महर्षि तमिलनाडु में, उनको लेफ्ट यहाँ कैंसर हुआ,
फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑपरेशंस हुए, मगर वो आपको जो करना है करो, मेरा कोई संबंध नहीं, जैसे बैठते थे आराम से। लोगों को लगता था कि इतना वो लाल हो गया, बहुत भयानक पेन होगा। तो कहते हैं शरीर यही एक रोग है, उसको एक रोग हुआ तो मैं किसको रिएक्शन दे दूं, इसलिए वो शांत बैठते थे। एक बार लास्ट डे वो जाने से पहले कोई ऐसा छाती पीट पीट कर रो रही थी और ये आंख बंद करके अचानक खोल के बोले क्या हुआ, तो बोले ये रो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे लगा कोई नारियल फोड़ रहा है। अर्थात उस लास्ट मिनट में भी वही कि ये मेरा संबंध नहीं है, मेरे लिए कोई रो रही है, मेरे लिए कोई हंस रही है, कोई संबंध नहीं। सो सम लोष्ट अश्म कांचन, तीनों में, अर्थात वो पत्थर का हो, मिट्टी का टुकड़ा हो, सोना हो, सब में समानता रखने वाला योगी। और वो सुहृन मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु, देखो कितने आए शब्द। फर्स्ट सुहृत बोले तो फ्रेंड, मित्र, मित्र और सुहृत में सुहृत वेलविशर, मित्र इज फ्रेंड, दोनों में फर्क है। सुहृत मित्र, अरि बोले तो शत्रु दुश्मन, उदासीन अर्थात हमारा पहचान करने, घर में और बाहर जाते समय वो न फ्रेंड है न दुश्मन है, उदासीन, हमारा कोई संबंध नहीं। द्वेष्य, हमें कुछ लोगों को दूर रखना है, वो द्वेष्य। बंधुषु, कुछ रिलेटेड है। इन सभी में जो समान बुद्धि रखता है वो योगी। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, वो अच्छा हो बुरा हो ये अपने आप को बैलेंस में रखता तो वो युक्त। इसीलिए ये स्थिति एक परम स्थिति करके भगवद गीता में बताने के बाद सबको लगता है कि अच्छा ये है एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस से स्पिरिचुअल बैलेंस में जाने का रास्ता। तब लगता है कि ये कैसे पाना, तब देखो आपको क्या करना है। योगी युंजीत सततम, आपको सततम ऑलवेज हमेशा आपको प्रयास करना है, योग का प्रयास करना है। कहां रहस्य स्थितः, एकांत में रहो, अर्थात चौरस्था में बैठ के योग मत करो, घर में बैठ के करो। रहस्य स्थितः, रहस्य में, एकाकी एक अकेला रहना। यत चित्त आत्मा, अपने मन अपनी बुद्धि बैलेंस करके। निराशी अपरिग्रह, कोई संकल्प नहीं करना और बाहर के विषयों को आने नहीं देना। तब प्रॉब्लम, ये लोग जनरली कहते हैं कि तब से प्रॉब्लम की सारे तभी आते हैं जब आंख बंद करके बैठे, तब सारे विचार उसी दिन आते हैं। और क्योंकि हम अलो कर रहे हैं कि क्या क्या रोकना है मुझे, अरे ये आएगा क्या, ये विचार आएगा, ये विचार आ गया वो, तो इसीलिए पूरा अपने आप को आगे बताएगा। बुद्धिया धृतिगृहीतया बताएंगे, सो धृति चाहिए, अर्थात अपने आप को टोटल कंट्रोल में रखकर शांत करना। नहीं होता, प्रैक्टिस करो। कैसा, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, एक जगह थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए, ऐसे एक जगह देखो। स्थिरम आसनम, और बैठना कैसा, फर्म रहना, अर्थात आसन रखना है करके ये पैर रख के ये गर्दन के पीछे रखते हैं और बाद में निकालना नहीं आता है, तो ऐसा नहीं करना। आसन का अर्थ होता है कंफर्टेबल और स्टडी, वो स्थिर आसन। इसलिए पतंजलि महर्षि भी कहते हैं स्थिर सुखम आसन आसनम ततो द्वंद्व अनभिघात, स्थिर और सुख कंफर्टेबल रहना। और जहां बैठते हैं वो न अति उच्छ्रितम, बहुत हाइट में नहीं रहना, न अति नीचम, गड्ढा खोद के भी नहीं बैठना। और जहां बैठते हैं वहां कंफर्टेबल क्लॉथ, चैल अजिन कुश उत्तरम, एक कंफर्टेबल एक रखो, कपड़ा रख सकते हो, या प्राचीन काल में अजिनम अर्थात एनिमल स्किन रखते थे, अभी आप नहीं रख सकते हैं, पुलिस पकड़ेंगे, तो कपड़ा ही रख के बैठना।
तत्र आप बैठे हैं, एकाग्रम मनः कृत्वा, मन एक पॉइंट पे रखो, वो आंखों के सामने दीवा दीप रख कर भी कर सकते हैं, या एक वॉल पे एक पॉइंट बना के उस पर आंख लगा के मन को एकाग्र कर सकते हैं। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, और धीरे धीरे बाहर का सुनना, बाहर का देखना, बाहर का कोई भी आने नहीं देना, ये सब बंद करते हुए अपने आप को उसी पर लगा देना। उपविश्य आसने युञ्जात, ऐसा बैठकर करना चाहिए, और ऐसा बैठते समय समम काय शिरोग्रीवम, बॉडी अब साइड से देखने पर ये पीछे से एक लाइन में आना चाहिए, काय शिर ग्रीव, ग्रीव बोले तो नेक, शिर बोले तो हेड, काया बोले तो बॉडी, सो ये तीन समा। तो आप अगर आईना इधर है, आप देख सकते हैं कि कैसे बैठे हैं, दूसरे को बोलना एक फोटो निकाल के दे दो मैं कैसे बैठता हूं, तो सम काय ये शिरो ग्रीव होना चाहिए। फिर धारयन अचलम स्थिर, ऐसा फर्म बैठकर, संप्रेक्ष नासिकाग्रम, नाक के टोक पर, यहां भी है टोक यहां भी है, कहीं भी तो देखना, मगर स्वम दूसरों के नाक पर नहीं, अपने नाक पर कॉन्सेंट्रेट करना। दिशश्च अनवलोकयन, मगर ऐसा करते समय हम क्या करते हैं, तुरंत हमारी नजर इधर उधर जाती है, वो नहीं जाना, भटकने नहीं देना, ऐसा अपना फोकस आंखों के बीच में जैसे टिबेटन योग में करते हैं, या नाक के टिप पर भी कर सकते हैं। प्रशांत आत्मा, अपने आप को डोंट अलो योर सेल्फ टू गेट एजिटेटेड, नो, शांत रहना, थोड़ी देर तक शांत रहना। विगत भी ही, डर छोड़ना, तो लोगों को लगता इसमें डर क्या है, आराम से अकेले में बैठे हैं अभी क्या, मगर डरने वाले ऐसी स्थिति से भी डरते हैं कि आगे क्या होगा, मैं आंख बंद करके सांस बंद करके रुका और अचानक अंदर से चला गया तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, ये डरने वाले अंदर कभी नहीं जा सकते हैं। सो विगत भी ही, आप डरो मत, शांति से बैठो। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी लोग समझते हैं ब्रह्मचारी का अर्थ बैचलर सेलिब्रेट, यहां का अर्थ सब कुछ ब्रह्म है, वी आर इन वन कॉस्मोस, ये सब एक यूनिट है, ऐसे व्रत आपका मानसिक संकल्प ऐसा होना, वी आर इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड यूनिवर्स, अलग अलग नहीं। तो ऐसे स्थितः मनस संयम्य मच्चित्तः, उस समय मन को कंट्रोल करके केवल गॉड एनर्जी पर लगाकर, युक्त आसीत मत परः, केवल गॉड एनर्जी को ही कनेक्ट करना, ये स्थिति योग। अब देखिए इतने श्लोकों में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया, इसको ऐड करते हैं पतंजलि महर्षि और वो कहते हैं ये करते समय आपको प्रॉब्लम आएगा आपके ब्रीथिंग से, तो सिंपल है, ब्रीथिंग बंद करो, ऐसा नहीं बोलते हैं, ब्रीथिंग को रेगुलेट करो, रेगुलेट करना इसका अर्थ हमारे सांस जो नॉर्मली चल रहे हैं उसको ध्यान से स्लो ब्रीथिंग, स्लो होल्डिंग, स्लो एक्सलेशन, आवाज भी सुनाई नहीं देना, उतना धीरे से करना, अंदर अंदर ही प्राणायाम चलता है, वो करने से मन जल्दी वन पॉइंटेड होता है, एकाग्र होता है। और भी आपको लगा नहीं नहीं उतना नहीं हो पा रहा है तो कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति में आपने टीवी पर देखा होगा रामदेव बाबा ऐसा करते हैं, सो वो अगर आप दो तीन मिनट करने के बाद जब डीप ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन आपको बरोबर मिल जाता है, न्यूरॉन सप्लाई प्रॉपर है, और धीरे धीरे क्योंकि एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड भी सप्लाई होता है ब्रेन को, तब एक नशा जैसे आ जाता है शांत, वो थर्ड सैचुरेशन पॉइंट तक आप रोक सकते हैं, 1 2 3, थर्ड सैचुरेशन पॉइंट इज द डेथ बेल, अगर वहां भी रोका तो हार्ट को समझ में आता है कि नो मोर ऑक्सीजन, खत्म, रुक जाता है। इसीलिए इंदौर में एक योगा करके ऐसे शवासन में बैठे डीप ब्रीथिंग और वैसे चले गए, शवासन वो शवासन हो गया आखिर,
सो यहाँ बहुत ध्यान से भट्ट प्रदीपिका में कहते हैं कि आप हाथी को शेर को काबू में लाने के लिए जितना केयरफुल रहते हैं उतना अपने प्राण के साथ केयरफुल रहो, ऐसा कहते हैं। ऐसा कंट्रोल करते करते युंजन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः, हमेशा ऐसा धीरे धीरे करते करते शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, वो प्राप्त करेगा तीन शांतिम। मगर वो अंदर की शांति कैसे? निर्वाण, बाकी सब बंद हो गए, निर्वाण मोक्ष। और वो है मत संस्था, अर्थात भगवान जो गॉड एनर्जी है उसमें संस्था अर्थात सम्यक स्थिति। सो द पर्सन विल फुल्ली गेट एस्टैब्लिश्ड इन द गॉड एनर्जी, कब? ये स्थिति तक अपने आप को उठाने के बाद। इसीलिए उद्धरेद आत्मनात्मानम, कैसे उद्धार करना प्रक्रिया भी बताई जा रही है। अब योग करने के बाद भी आपको योग का फल नहीं मिल रहा है, क्यों? देखो, कोई तो अति अश्नतः बहुत ज्यादा खाता है, बहुत खाता ही रहता है। कोई एकांतम अनश्नतः खाता भी नहीं है। तो ज्यादा खाने वाला बिल्कुल न खाने वाला, ये दोनों योग के रिजल्ट को पाएंगे नहीं। कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक योग किया, 5:30 बजे बाहर जाके कहां कहां पाव भाजी मिलता है, कहां कहां वड़ा पाव मिलता है, वो ढूंढते ढूंढते, मेरा एक फ्रेंड है वो बोलता है कि हम योग करते हैं, और वो बोलते हैं कि आप किसी शहर में जाओ वहां से मुझे फोन करना, मैं बताऊंगा वहां खाना खाना कहाँ कहाँ अच्छा मिलता है। मैं बोलते ये कहाँ कहाँ घूम के आया, मैं काशी गया। तो वो बोले अरे मुझे बोलना था अच्छे खाने का, मैं बता देता। बॉम्बे, पुणे, सातारा, रत्नगिरी, बोलता है कि यहाँ आप लेफ्ट साइड में कहाँ तक आ गए, सातारा से इधर जा रहे रत्नगिरी, वो लेफ्ट साइड में देखो ये ढाबा है ना वहाँ अच्छा मिलता है। मैं बोला हम क्रॉस किए, नहीं नहीं राइट साइड में देखो यू टर्न लेके वहां अच्छा मिलता है। सो कुछ ज्यादा खाने वाले रहते हैं, और कोई बस थोड़ा बिस्किट दिया तो बिस्किट का करेक्ट 10 ग्राम्स मुंह में डाल के हो गया हो गया। तो दो प्रकार रहते हैं, बहुत ज्यादा खाने वाले, बहुत उपवास करने वाले, दोनों को योग का फल नहीं मिलेगा ऐसा बताया गया। फिर बहुत सोने वाले रहते हैं, अति स्वप्नशीलस्य, बहुत सोते हैं अच्छा लगता है। और कुछ लोग जागृतः, उल्लू जैसे ही रात भर उल्लू जैसे ही जागते रहते हैं। अभी दो, ये दोनों घातक है। अभी लेटेस्ट आपने पढ़ा तो साइंस जर्नल में आया कि जिसका स्लीपलेस नाइट्स जाते हैं, नींद बरोबर नहीं होती है, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाती। ये मेरा नहीं, वो कह रहे हैं, और वही भगवत गीता में बता रहे कि आप आपका स्लीप बैलेंस में रखो, जागना बैलेंस करो, खाना कितना चाहिए, कितना अपने आप को उपवास में रख सकते हैं ये करो। यही राइट साइड में बताया कि युक्त आहार, आहार आपका मॉडरेट रखो, क्या खाना चाहिए, काय खावे किति खावे, क्या खाना चाहिए कितना खाना चाहिए ये ध्यान में रखो। विहार, आप कैसे घूमते हैं, कितना हर दिन इधर उधर घूमते हैं वो ध्यान में रखो, मॉडरेट रखो। चेष्टस्य कर्मसु, अपने कर्म को मॉडरेट बना दो। युक्त स्वप्नावबोधस्य, कितना सोना कंट्रोल करो। अवबोध, कितना जागकर रहना कंट्रोल करो। तब योगो भवति दुःखः, तब योग आपके दुख को दूर करने वाला होगा, नहीं तो योग से ही दुख होगा। योग करते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, ये भी हो सकता, क्योंकि शीर्षासन किया मगर शीर्षासन खाना खाने के बाद किया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। सो नहीं करना चाहिए, सर्वांगासन हलासन नहीं करना चाहिए। सो ये अगर जानकारी रखकर काळजी पूर्वक हम कहते हैं, ऐसा अगर योग कहते हैं तो योग से दुख दूर होगा। अब ऐसी स्थिति में योग करते करते जब वो शांत बैठा है
तब अंदर जो एनर्जी है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, एक कहीं हवा ही नहीं, ऐसे जगह में दिया रखने पर दिया शांत जलती, हिलती नहीं, ऐसे अंदर आत्मा भी दिया समान रहता है। अब वहां यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योगाभ्यास के कारण केवल आसन नहीं, प्राणायाम, प्राणायाम के बाद ध्यान, ध्यान में क्या करना, किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि प्रभु बताइए कि ध्यान के लिए क्या करना चाहिए, तो गौतम बुद्ध ने कहा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ध्यान है, कुछ किया तो ध्यान कैसे होगा। जेन मेडिटेशन में भी यही कहते हैं कि दो तीन मुद्दों में, एक कहते हैं कि यू आर एज ओल्ड एज योर वर्टेब्रे, एक, और दूसरा ये है कि नॉट डूइंग एनीथिंग इज प्रॉपर जेन, वो स्थिति तक जाना। तो ये कहते हैं कि निरुद्धम योग सेवा, आप योगाभ्यास करते हुए अपने आप को फुल डिसिप्लिन में रखे, तब आप अंदर अकेले हैं, आप आंख बंद करके भी अकेले हैं, नो थॉट्स फ्रॉम आउटसाइड, नथिंग, आप दिया समान केवल जल रहे हैं, तब जो आनंद होगा, यत तक आपका वो आनंद आपको ही पता चलेगा, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो किसी को दिखने वाला नहीं, सो यू कैन फील इट, उस समय दूसरा कुछ पता भी नहीं चलता है। वो मिलने के बाद वो एक एडिक्शन बन जाता है, आपको बार बार अंदर जाने का मन करता है, बाहर आने का मन नहीं करेगा, बैलेंस करना आना चाहिए, मगर बार बार लगता है कि आंख बंद करके अंदर जाना चाहिए। और ये है आपका मोटो, इन्वॉल्व, इन्वोल्यूशन, अंदर जाने का, तब क्या होता है, इवॉल्व, बाहर अलग एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बाहर आएंगे। वाल्मीकि एक चोर थे, बोले डाकू, जंगल में डाकू, रत्नाकर करके कुछ पुराना नाम मिलता है, उन वो सबको लूटपाट करके मार के खाने वाले, मगर महर्षियों को एक बार पकड़ के मारने के लिए प्रयास किया तो महर्षियों ने कहा हमारे पास क्या है, दंड कमंडल है, क्या देंगे, मगर तुमको एक देते हैं, तुम उसका उच्चारण करो, मरा राम 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 जी। सो वो करते 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 इन्वॉल्व अंदर चले गए, और अंदर सारे ज्ञान का राज है ना, वो टच करने के बाद जब बाहर आए, वाल्मीकि आदि कवि महाकवि बाहर आ गए। अरविंद घोष, उनसे भी पूछा गया तो बताया कि ऑल माय क्रिएटिव वर्क वाज अ रिजल्ट ऑफ माय डीप इनर मेडिटेशन, वो अंदर जितना गए उतना क्रिएटिव बाहर पड़े, ऐसा होता है। और ये है तम विद्या दुख दुख संयोग वियोगम योग समुचितम, ये डेफिनेशन है। योग क्या है, जोड़ना नहीं, अलग करना, किससे अलग करना, दुख के संयोग से वियोग, अर्थात मुझे कभी भी दुख नहीं होगा। नहीं होगा कैसे, बोलने से होता क्या, दुख किससे मिल रहा है वो जाने, तो उससे आप दूर गए तो दुख से भी दूर हो गए। तो दुख के संयोग से वियोग इज इक्वल टू योग, ऐसा एक डेफिनेशन। और इसके लिए आपको फर्म माइंड से प्रैक्टिस करना, केवल आज सुने और घर जाने के बाद भूल गए तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। कोई हल्दीराम का मेन्यू लेकर इतने स्वीट्स है जानने से किसी स्वीट का कैसे उसको आस्वाद मिलेगा, कोई ना कोई तो एक स्वीट लेना, वैसा इतने श्लोकों में से आप एक श्लोक आप साथ रखे तो आपको उसका आस्वाद मिलेगा। और आप योग विधान में समझ लो, सारा प्रॉब्लम संकल्प से होता है, सारे उनको छोड़कर दूर रखते हुए, ज्यादा संकल्पों को दूर रखते हुए अपने मन से ही अपने सुनना देखना इनको अंदर अंदर शांत करके शनई ही उपरमे, धीरे धीरे आप अंदर जाने का प्रयास करो। ऐसे बुद्धिया अलर्ट रहकर धृति गृहीतया धैर्य से, धैर्य इज एक्चुअली कंपोजर, यहां
धृति के दो अर्थ है, धृति मीन्स होल्डिंग सस्टेनिंग, यहाँ धृति का अर्थ धैर्य, धैर्य का अर्थ आप मन लगा के अपने बुद्धि से ही शांत करो अंदर अंदर। न किंचित भी चिंतये, किसी के बारे में मत सोचो, और जहां जहां लगता है कि मन बाहर जा रहा है, यतो मनः निश्चरति चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य, वहां वहां से आप उसको वापस ले लो एक पल के लिए, एक पल मन जाएगा, आप अलर्ट रहो, ओ ठीक है वापस, ऐसा धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करना है। वशम नयेत, ऐसा कहा, ऐसे समय में प्रशांत मनसम एनम योगिनम, जब ऐसा शांत मन, कोई संकल्प नहीं है और एक अंदर अपने में है, तब सुखम उत्तमम, वो जो सुख पाएगा वो उत्तम उत्कृष्ट है। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, क्योंकि उस समय वो अंदर जो एनर्जी है, इट हैज टच्ड द गॉड एनर्जी, ऐसे समय में उसको सुख, उत्कृष्ट सुख मिलता है। ऐसा जैसा आगे करता रहता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, वो जो कैसा इवोल्यूशन होता कि सारे प्राणियों में एक ही गॉड एनर्जी को देखेगा, आत्मा, और उस आत्मा में सारे भूतों को देखेगा कि इतने बॉडीज है, मगर इतने बॉडी में फ्लो होने वाली एनर्जी एक ही टाइप की है। कौन सा साइंटिस्ट है, ये फीमेल बॉडी मेल बॉडी, और इसमें मैं, ये अलग अलग टाइप बताने के लिए क्या है, आप न्यूरॉन, फीमेल न्यूरॉन मेल न्यूरॉन नहीं है, सब एक ही है। सो वो एनर्जी एक होने से सर्व भूतेषु एकम आत्मानं पश्यति, ऐसा कहा, और इसके वजह से हर जगह उसको समदृष्टि मिलती है, ये दृष्टि यहाँ इसका रिजल्ट है। ऐसा जो कोई गॉड एनर्जी को हर जगह में देखता है, तुकाराम महाराज कहते हैं कि आमा सोए रे वनचरे, अर्थात ये जो वृक्ष वल्ली आमा सोए रे वनचरे, ये पेड़ पौधे ये सब मेरे मित्र हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। और एक जगह में चोखामेला भी कहते हैं कि आमी आकाश स्वरूप आमा नाही नाम रूप, ओरिजिनल एनर्जी उसको नाम नहीं है रूप नहीं है, ये केवल प्योर एनर्जी, और हम आकाश के समान सब जगह में है, ऐसा मराठी में है अभंग में। तो ऐसी स्थिति को वो प्राप्त कराएगा और हर जगह ये एक ही गॉड एनर्जी को देखते हुआ शांत हो जाता है। और यो माम भजति एकत्वम आस्थितः, यहां भजति शब्द आया जो भक्ति के लिए है, भक्ति भजति एक ही। सो भक्ति में क्या, भक्ति में हम समझते हैं कि ये कुछ तो रख के उसमें कुछ कुकुम हल्दी फूल चढ़ाना, प्रसाद भी चढ़ाना, तब भक्ति, ये तो दिखावट है। भक्ति का अर्थ योर कनेक्शन, विभक्ति का अर्थ योर सेपरेशन। आपको विभक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए, भक्ति का अर्थ जोड़ना, विभक्ति का अर्थ तोड़ना, आप जुड़ जाना। आप कैसे जुड़ेंगे, वो दूसरा है, मैं यहां हूं। तो पिछले बार माउली के बारे में बताया कि नदी का पानी जा रहा है और उसको आप गंगा कहो, और जैसे समुद्र से एक हो गई, तब वो तो एक ही है, ये भक्ति है। और ये हमेशा चल रहा है कि गंगा और समुद्र का संबंध है, तो ये समुद्र का पानी उसका संबंध वहां से, उस गंगा का पानी का संबंध ये समुद्र से, ये संबंध हमेशा है, इसको सहज स्थिति कहते हैं माउली। तो ऐसा एक भजति एकत्वम आस्थितः, सबके साथ एक रूपी होकर संबंध बनाना, और योग के साथ संबंध है तो भक्ति योग है ऐसा। और ऐसे व्यक्ति आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति, खुद को जैसा ही बाकी को समझता है, मुझ में जो है, मुझ में जो आत्मा बाकी में वही है, आत्म उपमा। बाइबल में भी आया है ना कि ट्रीट योर फेलो मैन एज योर सेल्फ, ऐसा। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमः। तब अर्जुन को डाउट आता है, इतना बड़ा योग आपने बताया मगर मेरा मन चंचल है, बंदर का मन है,
चंचलम ही मनः कृष्णा। हे कृष्णा, मन चंचल है, प्रमाथी, बहुत दुख देता है, दृढ़म कठिन है, और इसको रोकना हवा को रोकना जैसा है ना, ये प्रश्न। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हाँ मैं भी जानता हूं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु दृश्यते। अरे मैं भी जानता हूं, मगर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट जरूर है। इसको रोकने के लिए दो उपाय, अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस, वैराग्य, लेस अटैचमेंट। आप एकदम फुल डिटैचमेंट में जाएंगे कैसे? आज बोले कि वैराग्य चाहिए, तो क्या होता है आखिर? वैराग्य के प्रति वैराग्य बनता है। शादी होने के बाद वो बीवी अपने नवरा बाबू को बिठा के बात कर रही है, तो उसने पूछा, बोले ओ जी सुनो, हो आप सिगरेट नहीं पीते हैं ना? पीता हूँ, बोले छोड़ना मेरे लिए। फिर बोले आप शराब कभी, थोड़ा मेरे लिए छोड़ना। आप ये ज्यादा नॉनवेज खाते हैं? हाँ छोड़ना। ऐसा एक एक पूछने के बाद, और बताओ मेरे लिए और क्या छोड़ेंगे? बोले तो तुमको छोड़ूंगा। सो ऐसा होता है, छोड़ना पड़ता है। सो ऐसा हम वैराग्य बोलेंगे, अरे वैराग्य के लिए सब कुछ छोड़ना, वो वैराग्य नहीं चाहिए, ऐसा हम उसी को छोड़ देंगे, ऐसा होता है। तो इसीलिए कृष्ण बोला, अरे अर्जुन ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, सब कुछ मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, ऐसा नहीं। मुझे पता है ये कठिन है, मगर दो मेडिसिन देता हूँ, एक रेगुलर प्रैक्टिस करो, दूसरा वैराग्य रखो। किसके प्रति? जो इस मार्ग में बीच में अड़थड़े है ना, उसके प्रति वैराग्य रखो। मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, ये बीच में आ रहे हैं, तो उसको दूर रखो। अभ्यास, वैराग्य, ये दोनों अगर साथ रखे तो तुमको मन कंट्रोल करना आसान है। मगर कब शुरू करना? कोई बड़ा एक ज्योतिषी के पास जाके डेट ढूंढना नहीं है, आज ही, अभी। यस, मैं आज मेरे वीकनेस में कितना कंट्रोल कर पाऊंगा, देखो। ऐसा अभ्यास और वैराग्य करना। अब प्रश्न बड़ा आता है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि देखो मुझ में श्रद्धा है, थोड़ा कंट्रोल कम है, मैं योग मार्ग पे चल रहा था, मैं थोड़ा फिसल गया, मैं तो सिद्धि को नहीं पाऊंगा, फिर मेरी गति क्या है? गतिम काम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, तादृशः काम गतिम गच्छति, ऐसा पूछा। बोले तो वो जाएगा कहां? इंटरेस्ट है, श्रद्धा है, योग कर रहा था मगर फिसल गया, तो अचीवमेंट तो नहीं मिलेगा, मगर उसका क्या होगा बीच में, अर्थात मरने से पहले क्या होगा? अब ये मरना एक बीच में का एक अकरेंस है, ये एक घटना है, एक वेकेशन है, हॉलीडे, इट्स अ हॉलीडे, होली, वेरी होलीएस्ट। सो माउथ जो है ये एक गैप है, और इसके बाद में हमें पता नहीं, मगर एक नेचुरल इवेंट है कि नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ, ये कंटिन्यूटी है। अब आपको लगेगा कि ये नेक्स्ट बर्थ क्या है, किसने देखा, मुझे तो नहीं पता, मगर आप अचानक आए कहां से? आप आए कहां से? जिस किसी भी रिलीजन में नहीं मानते हैं, उनको भी जबरदस्ती मानना पड़ा कि आयरलैंड में एक फैमिली में छोटा बच्चा कुछ 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 बोल रहा था पहले, जैसे जैसे बड़ा हो गया उसके मुंह में एक शब्द आया, वो घर वालों को आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ है प्लेस, और उसने बताया कि वहाँ बीच के पास हम वेकेशन में कजिन सब आते थे, वो बीच के पास हमारा सफेद घर, और उसमें हम खेलते थे, ऐसा था वैसा था। तो इन्होंने कल्पना समझा, बाद में वो पर्टिकुलर प्लेस है करके पता चला, जो उनको भी पहले पता नहीं था, और वो एक आइलैंड, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आइलैंड है, अभी नहीं देखना, यू एक आइलैंड। और ये आखिर गए वहां, एक फ्लाइट करके वहां गए, और लोकल वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने जो बताया
व्हाइट हाउस और ये चार्ली वगैरह ऐसा कोई नहीं है यहाँ, तो ये हताश हो गए, जाने दो वापस जाना। तब उन्होंने बताया बुला के कि अभी वो दूसरे ने खरीदा मगर वो ऐसा घर एक है बहुत दूर, तो ये गए वहां। जैसा दूर से घर देखा ये रो रो के अंदर जाए, और मेरा घर पूरा पता है उसको कहाँ क्या है सब। और ये लोग हताश हो गए कि इसको इतने कम उम्र में, हम कभी आए नहीं, इसको पता चला कैसे। दिल्ली में भी एक विलेज में, दिल्ली के नजदीक में, वो लड़का बार बार बोल रहा था कि मेरा एक इलेक्ट्रिकल शॉप है दिल्ली में है और उसके गली पता है मुझे। ये लोग बोले कि ये गया कभी नहीं, तो उस लड़के को एक बार ले जाना करके ले गए और मस्त एड्रेस बताया, ऐसे तो लेफ्ट ले लो राइट ले लो। आखिर एक जगह में आने के बाद मुझे याद है राधा इलेक्ट्रिकल कुछ अंदर, वो बोला यही शॉप। अंदर गए तो एक बुजुर्ग औरत बैठी और इसने कहा ये मेरे मिसेस। वो परेशान हो गई, ये छोटा लड़का आके एक बुजुर्ग को बोलता है मेरी मिसेस, और उसने कहा कि आपने ये रिपेयर करवाया क्या, पहले यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ हम अभी तो ब्लॉक दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। हाँ बोली, और इसके पीछे का आपने वो वाटर टैंक रखा क्या, उसने कहा ये बरोबर है। और उसने कहा कि हमारे अलमारा में फोटोस के सब उसको क्लियर है और सब। वो बोली मैं मानती हूँ मगर क्या करूँ, इतना छोटा गोद में लूँ, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है। सो यहाँ ये इतना छोटा बच्चा नवरा, ये तो ऐसा नहीं कह सकते कि नवरा माझा नवसाचा, नहीं है वो। सो आखिर बोली कि मैं चलो नमस्कार करती हूँ छोड़ती हूँ। ये दूसरा। और तीसरे में एक सेकंड वर्ल्ड वार में फ्लाइट जापान के पास गिरी तो एक मर गया, और वो नेक्स्ट इसमें बच्चा ड्राइंग करता हमेशा, फ्लाइट से ड्राइंग करता, वो भी फाइटर जेट वो ड्राइंग करता और बहुत बारीक बारीक निकालता सब। तो बाद में उसने कुछ नाम बताने के बाद ढूंढ के गए तो एक बुजुर्ग औरत, उन्होंने कहा ये मेरी बहन है, और उससे तुरंत कहा कि हम दोनों का एक फोटो अंदर एक रखा था, वो कहाँ है। उसने कहा ये मेरे भाई को छोड़ के किसी को पता नहीं, और वो करेक्ट वो सेकंड वर्ल्ड वार के समय मर गया। और ये सारा अभी श्रीलंका में आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि कल्पना चावला का नेक्स्ट करके एक लड़का। सो ये सारे बताते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि बिकॉज ऑफ माई रिलीजन आई कैनॉट बिलीव इन रीबर्थ, बट द थिंग्स आर वेरी एविडेंट डायरेक्ट, तो मुझे मानना पड़ रहा है। यहाँ बता रहे कि इस दुनिया में, इस जन्म में जो हम करेंगे दैट गेट्स कैरीड ऑन, दैट डजंट गेट कैंसल्ड। ये है बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज कि हम जो कर रहे हैं वो पिछले जन्म का जितना उतना अगले जन्म का भी। इसीलिए हम अपने आप को नियंत्रण में रखना, अच्छा करना, ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी है, हम बीच में है, पता नहीं ये शुरू है कि लास्ट है। तो इसीलिए इसको सिस्टमेटाइज करने के लिए ये पूछा, तो अर्जुन को इतने श्लोकों में उत्तर दिया कि देखो अच्छा जो करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। आपने अच्छा किया, एक को 10 रुपए दिया जिसको जरूरत है उसको, तो वो आपके साथ रहेगा, ये आपका संस्कार है। इसीलिए नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति बोला, और कहा देखो पहले वो अच्छे अच्छे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि लोक स्वर्ग लोक पाताल लोक, तो हम समझते हैं कि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक कहाँ है। मगर ये भी बहुत केयरफुल, आप बहुत सारे लोग संस्कृत शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं वो सुख को किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, तो वो क्लियर है उनको। ये पुराणों में अलग अलग लोगों के लिए कुछ कथा भी आती है, समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, कोई दूर रहता है उसको नजदीक लाने के लिए एडवर्टाइज करना, तो इतिहास पुराण एडवर्टाइजमेंट, वो अंदर आने के बाद धर्मशास्त्र वगैरह दर्शन, फिर वो उपनिषद तक जा सकता है, वहां तक ले जाने के लिए अलग अलग प्रयास, लोगों को एजुकेट करने के लिए स्पिरिचुअली ऐसे टेक्स्ट है। तो पहले वो अलग अलग लोगों में, लोक बोले तो कोई रात को बिस्तर पर सोया, उस समय उसको पता है मेरे रूम में मेरे बिस्तर पे मैं सो रहा, और नींद अच्छी लगी, बाद में स्वप्न में जाता वो अपने आप को
कहीं दूसरे प्रदेश में दूसरे लोगों के साथ देखता है, वो स्वप्न लोक कहा जाता है, वो सत्य ही रखता, उठने के बाद पता चलता है कि वो गलत था, तब तक आप उसमें थे ना। वैसा मरने के बाद भी जिस किसी अवस्था में ये सच मानकर हम रहेंगे वो वही लोक है। अच्छा किया स्वर्ग लोक, बुरा किया नरक लोक, ये फिक्स किया हमारे लोगों ने। क्यों बोले तो ये अंदर जो साइकोलॉजिकल ये स्ट्रांग फोर्स है, ये नेचुरल फोर्स है साइकी माइंड, और ये आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी गति से जा रहे हैं। आप मौत तक आप उसके साथ थोड़ा अच्छा संवाद रखकर उसको कंट्रोल में ले सकते हैं, इतना ही, उसको रोक नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, वो आपको आगे ले जाएगा। मन ये स्ट्रांग एक नेचुरल फोर्स, तब ये बता रहे हैं। वो कुछ समय तक उस लोक में रहकर फिर नीचे आता है और अच्छे 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 फैमिलीज में उसका जन्म होगा, या अच्छे योगी जिस फैमिली में है वहां उसका जन्म होगा, और ऐसा जन्म लेना मुश्किल है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट अभी करना है, अगर आगे का अच्छा हो उसके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट का चॉइस है। आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं और रिटर्न्स मांगते हैं तो गलत होगा, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, वो सारा इसमें बताया। फिर उस जन्म में आप जैसे 250 लोग अगर समझ लीजिए, इस कॉलेज में अगर 3000 लोग हैं तो फिर इतने ही लोग यहाँ क्यों आए। यहाँ बता रहे हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम, इस शरीर में इस जन्म में रहते हुए उसकी बुद्धि संयोगम उससे कनेक्ट होता, जो पिछले जन्म किया वो अच्छा लगता उसको। अभी कुछ छात्र मेरे साथ संवाद कर रहे थे, इतना सुंदर कि रियल जेन्यून क्वेश्चन पूछ रहे, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसा होता, रिजल्ट के बिना मैं प्रयास कैसे करूं, रिजल्ट तो रहता है, रिजल्ट के लिए ही तड़पते हैं। तो ये सारा जो है बुद्धि संयोग, उसको जानने की इंटरेस्ट और जानने का प्रयास, ये सब अंदर होता पिछले जन्म से पौर्व दैहिक, और इस जन्म में भी वो उसी के लिए फिर प्रयास करेगा, ये क्यों होता, कैसे होता, मुझे ऊपर ले जाना है और ऊपर स्थिति में ले जाना है, ऐसा वो प्रयास करेगा। और इसमें वो रोका नहीं जा सकता है, आगे जाएगा और शब्द के परे वो योग सिद्धि को प्राप्त करेगा। इस स्थिति में साधारण तपस्या करने वाले से बड़ा योगी, योगी से बड़ा बताएंगे, तपस्या करने वालों से बड़ा कौन, योगी। और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं वैसा तो ज्ञानी से भी योगी बड़ा है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो बैठ के कर रहा है, ज्ञानी जानता अगर नहीं करता तो गया, जानता है मगर योग करता नहीं है तो योग का फल नहीं मिलेगा। किसी से पूछे कि आप योगा करते हैं क्या, तो बोले 4 बजे से करता हूं, कब तक, 5 बजे तक। तो बाजू उसने पूछा कि अरे तुम तो 4 से 5 बिस्तर पे ही दिखाई देते हो, कब करता, मैं आंख बंद करके करता हूं पूरा योग। योगाभ्यास सारा हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, मगर बिस्तर पे उठा नहीं, ऐसे इससे कोई फल नहीं मिलता है, केवल ज्ञान। सो ज्ञानी से भी बड़ा योगी और कर्म करने वालों से भी बड़ा योगी। तो देखो योगी सबसे बड़ा, और बता रहे तस्मात, ये इंस्ट्रक्शन देखो, तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसीलिए तुम योगी बनो, ये कमांडमेंट है। 10 कमांडमेंट्स जैसा बाइबल में है वैसा ये कमांडमेंट है कि तस्माद योगी भव, अब करो छोड़ो मत, मगर ऐसा योग करते करते अपने आप को शांत करने वालों में भी जो भगवान के साथ जुड़ जाता वो भक्त, और वो इनसे भी बड़ा है, ऐसा इन्होंने बताकर कहा। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से मैंने बताया, श्रद्धा विश्वास, इससे आप जुड़ जाओ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, यही एक मौका है, यही एक मौका है, फिर नहीं मिलेगा पता नहीं। इसीलिए इसी जन्म में योगाभ्यास करना, अपने कर्म को चैनलाइज करना, विचारों को नियंत्रण में रखना और श्वास को अपने अंदर ही
पॉजिटिव बनाना यही योग है, ऐसा ये स्पष्ट बताया गया है। इससे हमारा आत्मसंयम योग यहां समाप्त होता है। Now the session is open for question answer round. Students who are interested to raise question can raise their hands. We are open for open questions, and if you have any question, you can very well come ahead and speak to the speaker of today's